आज मैं एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रोटीन टारगेटिंग। ये सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ी लेंदी भी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो है 2 या 3 क्लासेस के अंदर जो है प्रोटीन टारगेटिंग जैसे टॉपिक जो है ना कवर हो जाए, जिसमें कि प्रोटीन की टारगेटिंग माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे होगा, क्लोरोप्लास्ट में कैसे होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैसे होगा, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स में कैसे होगा, लाइसोजोम में कैसे होता है, पेरोक्सीजोम में कैसे होता है, प्रोटीन सेल से बाहर कैसे रिलीज होता है, ये सारे कंपोनेंट आप प्रोटीन टारगेटिंग के अंदर जो है स्टडी करते हो। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है काफ़ी जो है कॉमनली जो है पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो अब देखो प्रोटीन टारगेटिंग, और ये मैं सेल बायोलॉजी के अंदर जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चूंकि मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड जो मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन था, जैसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल ट्रांसपोर्टेशन, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, इन सबको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्योंकि प्रोटीन टारगेटिंग काफ़ी लेंदी भी है और इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं जिसको समझने की आवश्यकता पड़ेगी, तो इनको मैं कवर कर रहा हूँ। ओके, सर यस सर, और बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में आप चीज़ों को एनालाइज करना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन अगर आप स्टोरी लाइन अगर अपने माइंड में डेवलप करोगे, तब बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या हैं कि इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। आप इस तरह के इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज करके जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आप चीज़ों को आप बेटर मैनर में जो है एनालाइज करने की कोशिश करना और चीज़ों को सिंप्लीफाइड फॉर्म में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को इनके साथ लिंक मत करना। मैं यूकैरियोटिक सेल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। पहली बात तो ये क्लियर रखें कि मैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ डिलीवर कर रहा हूँ, और यूकैरियोटिक अगर सेल मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड ये जो एक्वस कंपार्टमेंट है, इसमें आप बहुत सारे ऑर्गेनेलीज शो करते हो। 2 ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जिनमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा प्लास्टिड है, जिसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज के तौर पर शो करते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज का मतलब है कि वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है और वो पूरी तरह से यूकैरियोटिक सेल पर डिपेंडेंट भी नहीं है, तो सेमी ऑटोनोमस है। तो सेमी ऑटोनोमस 2 ही ऑर्गेनेलीज हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड। इन दोनों के पास अपनी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है और इनके पास भी 70S राइबोसोम्स हैं जिनकी मदद से वो सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और प्लास्टिड के पास भी 70S राइबोसोम का प्रेजेंस होने के कारण ये भी सर्टेन नंबर ऑफ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर पाता है। हाँ, सारे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है जितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये सारे प्रोटीन का फॉर्मेशन करता तब तो ये ऑटोनोमस हो जाता, तो मैं तो इनको सेमी ऑटोनोमस कैटेगरीज में रख रहा हूँ। तो कुछ प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए खुद कैपेबल है, इनके पास चूंकि प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जो है फैक्ट्री प्रेजेंट है और उस फैक्ट्री को आप 70S राइबोसोम के तौर पर डिस्क्राइब करते हो, तो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है खुद कर पा रहा है। ठीक, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो आप सेल में शो करते हो वो साइटोसॉल में प्रेजेंट 80S राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज होता है। इसका मतलब है कि यूकैरियोटिक सेल में प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जो प्रोसेस है वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज में तो 70S राइबोसोम के द्वारा हो रहा है, बट साइटोसॉल में जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग प्रोसेस है वो 80S राइबोसोम के द्वारा हो रहा है, उनके द्वारा मोस्ट ऑफ द प्रोटीन बन रहा है। और माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड के भी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटीन्स हैं वो 80S राइबोसोम के द्वारा ही सिंथेसाइज हो रहा है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो 70S राइबोसोम्स है वो कुछ ही प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आपको ये जान करके भी आश्चर्य होगा कि less than 1% प्रोटीन जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है वो माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज हो रहा है। less than 1% प्रोटीन जो माइटोकॉन्ड्रिया में है वो माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज हो रहा है। इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन 80S राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज हो रहा है, साइटोसॉल में हो रहा है, और वहां से फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड में और बाकी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज में इंटर कर रहा है। ये पार्ट क्लियर है? यस सर, यस सर। ये टर्म हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस प्रोटीन, बट इनमें कंफ्यूजन होता है, खासकर जब आप इम्यूनोलॉजी पढ़ते हो तो वहां आप पढ़ते हो एंडोजीनस प्रोटीन एंटीजन के तौर पे काम कर रहा है, एक्सोजीनस प्रोटीन एंटीजन के तौर पे काम कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ इस बात को डिस्टिंग्विश करने की आवश्यकता है कि एंडोजीनस एक्सोजीनस का मीनिंग क्या हुआ। देखो, एंटीजन तो कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल जो नेचुरल है या सिंथेटिक है वो एंटीजन हो सकता है। नेचुरल में प्रोटीन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है।
मैं एंटीजन की बात कर रहा हूँ, इम्यूनोजेन की बात नहीं कर रहा हूँ। एंटीजन कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। हाँ, ये बात दूसरी है कि हर एंटीजन इम्यूनोजेन नहीं हो सकता। कुछ स्पेसिफिक जो है एंटीजन को ही आप इम्यूनोजेन की कैटेगरीज में रखते हो, बट मैं बात इम्यूनोजेन की नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आप उससे कंफ्यूज मत होना। मैं एंटीजन की बात कर रहा हूँ, वो नेचुरल कंपाउंड हो सकता है, सिंथेटिक हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड हो सकता है, लो मॉलिकुलर वेट कंपाउंड हो सकता है, हाई मॉलिकुलर वेट कंपाउंड हो सकता है, हेप्टेन हो सकता है। क्योंकि आपको तो एंटीजन की बात करनी है ना, इम्यूनोजेन के बारे में तो बात करनी नहीं। तो वहां आपने पढ़ा होगा एंडोजिनस और एक्सोजिनस प्रोटीन एंटीजन के तौर पर अगर काम करता है तो उनकी प्रोसेसिंग का इवेंट जो है आप डिफरेंट शो करते हो, यस आप सर। उसकी प्रोसेसिंग जो है आप डिफरेंट मैनर में शो करते हो। ठीक, तो सबसे पहले मैं इस बात को क्लियर करूंगा कि एंडोजिनस और एक्सोजिनस प्रोटीन का मीनिंग क्या हुआ। तो मैं एक डायग्राम शो कर रहा हूँ, सिंपल सा डायग्राम है। पहली बात तो आप ध्यान में रखना है कि मैं माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन की बात नहीं करने जा रहा हूँ, या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज के अंदर जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है उसकी बात नहीं करने जा रहा हूँ। जब भी मैं माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस के बारे में बात करूंगा तो उसको मैं मेंशन करूंगा। अगर मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं और मैं सिंपली लिख रहा हूं कि प्रोटीन सिंथेसिस इन द केस ऑफ द यूकैरियोट, तो आप बाय डिफॉल्ट साइटोसॉल को कंसीडर करते हो और एटीएस राइबोसोम के द्वारा जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है उसकी बारे में बात करते हो। अब सपोज करो कि किसी एनिमल सेल को कोई वायरस जो है इन्फेक्ट किया। अब वायरस के पास तो अपना कोई राइबोसोम तो होता नहीं है, वायरस के पास अपनी कोई प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी होती नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में अगर राइबोजो वायरस अपनी जेनेटिक मटेरियल को अगर इंट्रोड्यूस करता है और जेनेटिक मटेरियल के साथ कुछ अमाउंट अगर इंजाइम्स का यानी प्रोटीन्स का अगर इंट्रोड्यूस करता है तो उनसे प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है पॉसिबल नहीं है। अगर उसे प्रोटीन बनाना है तो सेल के अंदर जो एटीएस राइबोजोम है उनका हेल्प लेना होगा, क्योंकि वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस किया और उसके साथ कुछ एंजाइम्स या कुछ प्रोटीन को इंट्रोड्यूस किया, उनसे तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा नहीं। प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए राइबोसोम की आवश्यकता होगी, और जिस सेल को होस्ट के तौर पे यूज कर किया जा रहा है उस सेल के अंदर एटीएस राइबोसोम प्रेजेंट है, यानी एटीएस राइबोसोम जो है प्रोटीन के फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगा। तो वायरस एटीएस राइबोसोम की मदद से अपने लिए प्रोटीन बना रहा है, तो मैं इस प्रोटीन को एक्सोजीनस प्रोटीन नहीं कंसिडर करूंगा, मैं इस प्रोटीन को एंडोजिनस प्रोटीन कंसीडर करूंगा। क्योंकि वायरस इस पर्टिकुलर प्रोटीन को जो है सिंथेसाइज कर रहा है लेकिन होस्ट के राइबोसोम की मदद से सिंथेसाइज कर रहा है, यानी होस्ट के अंदर जो एटीएस राइबोसोम प्रेजेंट है उनसे ये प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है। तो जो वायरल प्रोटीन सेल के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है वो एंडोजिनस प्रोटीन, जैसे सेल के अंदर बाकी और प्रोटीन एटीएस राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज हो रहा है वैसे ही वायरस का भी जो प्रोटीन एटीएस राइबोसोम की मदद से सिंथेसाइज हो रहा है, यानी जो वायरल प्रोटीन आप सेल के अंदर सिंथेसाइज होते हुए शो कर रहे हो वो एंडोजिनस प्रोटीन है, वो एक्सोजिनस प्रोटीन नहीं है, नॉट सी द केस ऑफ द बैक्टीरिया। अब सपोज करो कि बैक्टीरिया इंटर किया किसी सेल के अंदर और साइटोसॉल में इंटर किया है बैक्टीरिया। अगेन मैं यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ना कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 78 राइबोसोम्स हैं और उनके द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस अगर शो कर रहा हूँ तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक्सक्लूसिवली हो रहा है, मैं उनको साइटोसॉलिक प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेट नहीं कर रहा हूँ। अब साइटोसॉल में एटीएस राइबोसोम है, उनके द्वारा भी प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, और जो बैक्टीरिया इंटर किया है उस बैक्टीरिया का अपना जो है 78 राइबोसोम, और वो 78 राइबोसोम उसी बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट है और प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है। जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है वो एंडोजिनस प्रोटीन नहीं होगा, वो एक्सोजिनस प्रोटीन होगा। तो किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर मान लो कोई बैक्टीरिया इंटर किया और बैक्टीरिया अपने 78 राइबोसोम की मदद से सर्टेन प्रोटीन अगर बना रहा है तो वो एंडोजिनस प्रोटीन नहीं, दैट प्रोटीन इज द एक्सोजिनस प्रोटीन। बट अगर कोई वायरस अगर मान लो कि इंटर करने के बाद और साइटोसॉल में एटीएस राइबोसोम की मदद से सर्टेन प्रोटीन अगर बना रहा है तो वो एंडोजिनस प्रोटीन के तौर पर कंसिडर किया जाएगा, एक्सोजिनस नहीं। तो मैं वायरल प्रोटीन को एंडोजिनस प्रोटीन मान रहा हूँ और बैक्टीरियल सेल के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है यूकैरियोटिक सेल के अंदर मैं उसको एक्सोजिनस प्रोटीन के तौर पर कंसीडर कर रहा हूँ। ये पार्ट क्लियर है? यस सर। यस देखो दो टर्म हम लोग यूज करते हैं, एक टारगेटिंग और दूसरा सॉर्टिंग, हालांकि इन दोनों टर्म्स को हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों में भी फर्क है, क्योंकि सॉर्टिंग और टारगेटिंग दोनों सेम कंडीशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है।
अब पहले डिफरेंसेस समझ लो। सपोज करो कि एटीएस राइबोसोम के द्वारा साइटोसॉल में प्रोटीन सिंथेसाइज्ड हुआ, तो एटीएस राइबोसोम के द्वारा जो साइटोसॉल में प्रोटीन सिंथेसाइज्ड हुआ वो तो बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होंगे, उनमें से कुछ प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, कुछ प्रोटीन न्यूक्लियस में जाएगा, कुछ प्रोटीन अदर ऑर्गेनेल्स में जाएगा। इसका मतलब है कि एटीएस राइबोसोम के द्वारा जो प्रोटीन साइटोसॉल में सिंथेसाइज्ड हो रहा है उनकी डिफरेंट ऑर्गेनेल्स में एंट्री हो रही है, यानी उसकी टारगेटिंग हो रही है। अब जो प्रोटीन एटीएस राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज्ड हुआ है अगर वो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन है तो उसकी माइटोकॉन्ड्रिया में टारगेटिंग होगी, अगर वो न्यूक्लियर प्रोटीन है तो न्यूक्लियस में टारगेटिंग होगी, अगर वो लाइसोसोमल प्रोटीन है तो लाइसोसोम में टारगेटिंग होगी। तो मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए टर्म यूज कर रहा हूँ टारगेटिंग, मैं इसके लिए टर्म यूज नहीं कर रहा हूँ सॉर्टिंग, इसके लिए टर्म यूज कर रहा हूँ टारगेटिंग। ये पार्ट क्लियर है? नाउ सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉर्टिंग। देखो एटीएस राइबोसोम के द्वारा बहुत सारे प्रोटीन बने और वो प्रोटीन बनने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंटर किया, अगर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंटर करेगा। तो मैं इस सिचुएशन के लिए टर्म यूज कर रहा हूँ टारगेटिंग, क्योंकि जो एटीएस राइबोसोम के द्वारा साइटोसॉल में डिफरेंट प्रोटीन्स बने जिनको मैं ए बी सी डी ई से रिप्रेजेंट किया हूं, ये प्रोटीन अल्टीमेटली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंटर किया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ प्रोटीन की टारगेटिंग हुई है। बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जितने भी प्रोटीन इंटर किए इनमें से कुछ प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रेजिडेंट प्रोटीन है, तो वो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रिटेन्ड होगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रोटीन है जिसको आगे चल करके गॉल्गी कॉम्प्लेक्स में इंटर करना है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस प्रोटीन को गॉल्गी कॉम्प्लेक्स को डिलीवर करेगा। इसका मतलब है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक प्रोसेस काम करेगा जिसका नाम होगा सॉर्टिंग, और उस सॉर्टिंग के प्रोसेस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन प्रोटीन को रिटेन करेगा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रेजिडेंट प्रोटीन है, और बाकी प्रोटीन्स को वो एक्सपोर्ट करेगा। कहाँ एक्सपोर्ट करेगा? तो गॉल्गी कॉम्प्लेक्स में। तो मुझे बताओ कि इस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर सी डी और ई जो प्रोटीन है ये अल्टीमेटली जो है गॉल्गी कॉम्प्लेक्स में मूव कर गया, और ए और बी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रिटेन हो गया, तो यहाँ सॉर्टिंग हुई या नहीं हुई? यस सर हुई है, सॉर्टिंग हुई। तो क्या सॉर्टिंग और टारगेटिंग को मैं एक मान के चलूं? नो सर, बट ध्यान में रहे कि मोस्ट ऑफ द लिटरेचर में जब आप इस प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हो तो वहां कहीं टारगेटिंग लिखा होता है, कहीं सॉर्टिंग लिखा होता है, क्योंकि इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज किया गया है, तो आप वहां कंफ्यूज मत होना। अगर टारगेटिंग लिखा हुआ है तो भी आप उसको मानकर चलना, अगर सॉर्टिंग लिखा हुआ है तब भी आप उसको मानकर चलना, बट एक्चुअल अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन दोनों में डिफरेंसेस को जो है आप अपने माइंड में रखो। देखो प्रोटीन ट्रांसलोकेशन में लिखूं या प्रोटीन ट्रांसपोर्ट लिखूं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। बहुत सारे केसेस में लिखा जाता प्रोटीन ट्रांसलोकेशन, कहीं लिखा होता प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। अब प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा? जैसे अगर मान लो कोई प्रोटीन सेल के बाहर से सेल के अंदर जा रहा है, तो उस प्रोसेस को मैं डिस्क्राइब किया था एंडोसाइटोसिस के तौर पर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उन प्रोटीन्स की जो एटीएस राइबोसोम के द्वारा सेल के साइटोसॉल में सिंथेसाइज हुआ है, उनके ट्रांसपोर्टेशन, उनके ट्रांसलोकेशन की बात कर रहा हूं। अब कोई प्रोटीन अगर सेल के बाहर से अगर सेल के अंदर इंटर कर रहा है एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस है, इनको तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, इनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उन प्रोटीन्स की जो सेल के अंदर साइटोसॉल में एटीएस राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज हो रहा है, उनका ट्रांसपोर्टेशन या उनका ट्रांसलोकेशन कैसे शो करोगे? अब उनका ट्रांसलोकेशन ऐसा हो सकता है कि वो सेल के अंदर बनने के बाद सेल से बाहर जो है रिलीज हो, फ्रॉम सेल टू आउटसाइड, या सेल के अंदर साइटोसॉल में सिंथेसाइज होने के बाद किसी ऑर्गेनेलिज में इंटर कर जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गेनेलिज से साइटोसॉल में इंटर करे। तो आप कहोगे कि बना तो वो साइटोसॉल में है, तब तो वो साइटोसॉल से तो ऑर्गेनेलिज में जाएगा। ठीक है, साइटोसॉल में बना, ऑर्गेनेलिज में गया, फिर वो ऑर्गेनेलिज से वापस साइटोसॉल में आ गया, ये कंडीशन तो हो ही सकता है। Yes, तो साइटोसॉल से ऑर्गेनेलिज में भी जा सकता है, ऑर्गेनेलिज से साइटोसॉल में भी आ सकता है, या एक ऑर्गेनेलिज से दूसरे ऑर्गेनेलिज में, जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में शो किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गॉल्गी कॉम्प्लेक्स में जा रहा है। तो जब आप प्रोटीन ट्रांसलोकेशन, प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हो सेल के अंदर उन प्रोटीन के रिस्पेक्ट में जो एटीएस राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज हुआ है, साइटोसॉल में सिंथेसाइज हुआ, तो उनके लिए कौन कौन से ऑप्शन हैं? आपके पास ये सारे ऑप्शन हैं, या तो सेल से वो बाहर जाएगा,
उसकी बारे में आपको बात करनी होगी, या सेल से किसी ऑर्गेनेलीज में जाएगा, या ऑर्गेनेलीज से साइटोसॉल में आएगा, या एक ऑर्गेनेलीज से दूसरे ऑर्गेनेलीज में मूव करेगा। आपके पास इतनी ही ऑप्शन है, और तो कोई ऑप्शन तो है नहीं। यस सर। तो मैं प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन या प्रोटीन ट्रांसलोकेशन इन पैरामीटर के एस्पेक्ट में जो है शो करूंगा कि सेल से बाहर अगर जाना है तो कैसे जाएगा, साइटोसॉल से ऑर्गेनेलीज में जाना है तो कैसे जाएगा, ऑर्गेनेलीज से साइटोसॉल में मूव करना है तो कैसे करेगा, एक ऑर्गेनेलीज से दूसरे ऑर्गेनेलीज में जाना है तो कैसे मूव करेगा। ओके यस सर। अब क्वेश्चन है कि अगर सेल के अंदर प्रोटीन ट्रांसलोकेशन या प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन अगर हो रहा है तो उनके मीन्स कौन से है, उनके वेज कौन कौन से है। एक चीज तो आपने ध्यान में रखना, मैं बार बार इस चीजों को मेंशन कर रहा हूं कि सेल के अंदर एटीएस राइबोसोम के द्वारा साइटोसॉल में जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है मैं सिर्फ उनके बारे में बात कर रहा हूं। अब अगर एटीएस राइबोसोम के द्वारा कोई प्रोटीन अगर साइटोसॉल में सिंथेसाइज हुआ है और वो सिंथेसाइज होने के बाद अगर न्यूक्लियस में जा रहा है तो न्यूक्लियस में जाने के लिए एक गेट प्रेजेंट है, उस गेट से होकर के न्यूक्लियस में इंटर करेगा, तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि साइटोसॉल में बनने के बाद मेम्ब्रेन को क्रॉस करके किसी ऑर्गेनेलीज में इंटर कर जाए, उसको आप कहते हो ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तीसरा तरीका ये है कि एक पर्टिकुलर जो है वेसिकल के अंदर पैक हो और वो वेसिकल जो है एक ऑर्गेनेलीज से प्रोटीन को दूसरे ऑर्गेनेलीज में ट्रांसफर करे। यानी प्रोटीन ट्रांसलोकेशन जो सेल के अंदर परफॉर्म होगा उसके थ्री मीन्स है, या तो वो गेटेड ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होगा, या ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होगा, या वेसिकुलर। बट जब आप इसको डायग्रामेटिकली देखोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। पहले आप गेटेड ट्रांसपोर्टेशन का केस देखो। सपोज करो कि ये न्यूक्लियस है और ये साइटोसॉल है और ये न्यूक्लियर पोर है जिसको आप नॉर्मली न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। एटीएस राइबोसोम्स के द्वारा प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ और सिंथेसाइज होने के बाद इस पोर्स की मदद से वो न्यूक्लियस के अंदर गया या न्यूक्लियस के अंदर से बाहर आया, तो एक गेट आप यहां शो कर रहा हूं और इस गेट से होकर के ही प्रोटीन का जो है ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ट्रांसलोकेशन हो रहा है, तो इसके लिए नाम यूज किया गया गेटेड ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? यस सर। दूसरा केस देखो, मैं अभी कुछ देर पहले मेंशन किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मोस्ट ऑफ द जो प्रोटीन आप शो करते हो वो एटीएस राइबोसोम के द्वारा ही सिंथेसाइज होता है और सिंथेसाइज होता है साइटोसॉल में और सिंथेसाइज होने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है। अब सपोज करो कि अगर कोई एटीएस राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ और ये प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन के तौर पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ और इसे माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, तो इसके पास आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसको क्रॉस करके जाना होगा। अब इसके लिए यहां कोई गेट तो है नहीं, न्यूक्लियर पोर जैसा कोई गेट तो है नहीं कि गेट से होकर के पास कर गया, इन्हें तो जो है इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा। इसको हम कहते हैं कि ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, यानी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो है इंटर करना पड़ेगा, तो इसको नाम दिया गया ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर। अब ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, दिस इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल। ये तो मैं सिर्फ डायग्राम इसलिए शो किया हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, आप उसको विजुलाइज कर पाओ। तीसरा कंडीशन है वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम से किसी प्रोटीन को गॉल्गी कॉम्प्लेक्स में डिलीवर करना है, तो एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम उसे किसी वेसिकल के अंदर पैक किया और फिर वो वेसिकल जो है गॉल्गी नेटवर्क से जाकर के फ्यूज कर गया, तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल की मदद से हो रहा है, तो आपने इसका नाम दिया वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन। तो आप इमेजिन कर पा रहे हो कि गेटेड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन और वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन सेल के अंदर कैसे परफॉर्म होगा। ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पहले आप गेटेड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करो। गेटेड ट्रांसपोर्टेशन में आप एग्जांपल क्या कोट करते हो, साइटोसॉल से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से साइटोसॉल, ये कंडीशन शो करते हो। यस सर। ठीक है, ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन में आप क्या कंडीशन शो करते हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, साइटोसॉल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साइटोसॉल, ये एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, साइटोसॉल से पेरोक्सीजोम और पेरोक्सीजोम से साइटोसॉल, वो भी ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल है। यस सर। साइटोसॉल से माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसॉल,
ये भी जो है ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल है। उसी तरह से आप और भी डिफरेंट एग्जांपल को कोट कर सकते हो। तो ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बहुत सारे एग्जांपल आप शो कर सकते हो। अब उसके बाद आता है वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन। तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन में क्या शो कर सकते हो? अब सपोज करो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गॉल्गी कॉम्प्लेक्स में जा रहा है, गॉल्गी बॉडी या गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, या गॉल्गी बॉडी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ रहा है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन। गॉल्गी बॉडी से मैं लाइसोजोम शो कर रहा हूँ और लाइसोजोम से गॉल्गी बॉडी शो कर रहा हूँ, वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन। तो आप एक कंडीशंस को खुद विजुलाइज कर सकते हो कि कहाँ आप गेटेड ट्रांसपोर्टेशन की बात करोगे, कहाँ ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन की बात करोगे, कहाँ वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन की बात करोगे। नाउ सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल नहीं है, ठीक। तो ट्रांसपोर्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म, देखो पहली बात तो है कि इसको साइटोप्लाज्म लिखना नहीं चाहिए, इनको लिखना चाहिए साइटोसोल या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। एनीवे अगर साइटोप्लाज्म भी अगर लिखा हुआ है तो आप मान के चलना कि वो साइटोसोल है। ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। दूसरा देखो, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गॉल्गी बॉडी या गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम स्ट्रोमा टू थैलाकॉइड स्पेस, स्ट्रोमा से थैलाकॉइड ल्यूमेन में, ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल है। ट्रांसपोर्ट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन स्पेस टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, ठीक है, ये समझ में आ गया? नाउ सी द केस ऑफ द प्रोटीन टारगेटिंग। अब प्रोटीन टारगेटिंग में बहुत सारे कंपोनेंट है। अब एक सिचुएशन सोचो कि राइबोसोम के द्वारा कोई प्रोटीन सिंथेसाइज्ड हो रहा है, ये मैसेंजर आरएनए शो कर रहा हूँ और इसके साथ राइबोसोम जो है ना एसोसिएटेड है, और इनके द्वारा कोई प्रोटीन सिंथेसाइज्ड हो रहा है, दिस इज द एंड टर्मिनस, और ये प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंटर कर रहा है। मतलब कि प्रोटीन अभी पूरी तरह से सिंथेसाइज्ड भी नहीं हुआ है और ये प्रोटीन ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंटर कर रहा है। तो मैं इसको क्या कहूं, को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन बोल सकता हूं? यस सर, यस सर, ठीक। दूसरा तरीका है कि अगर प्रोटीन पूरी तरह से सिंथेसाइज्ड हो गया, पहले प्रोटीन पूरी तरह से सिंथेसाइज्ड हुआ तब ये किसी ऑर्गेनेलिज में इंटर किया, तो मैं बोल सकता हूं पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। यस सर। तो प्रोटीन टारगेटिंग में दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ वो ट्रांसपोर्टेशन या टारगेटिंग का प्रोसेस हो, या प्रोटीन पहले पूरी तरह से सिंथेसाइज्ड हो जाए उसके बाद टारगेटिंग का प्रोसेस हो, दो ही हो सकता है। तो मैं यहाँ दो प्रोटीन टारगेटिंग या प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन के दो कंडीशंस को सो क्यों, या तो पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, या को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग या को ट्रांसलेशनल जो है ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को शो कर रहा हूँ, यही दो शो करोगे? Yes, sir. Yes, sir. अब एक चीज ध्यान में रखना कि को ट्रांसलेशनल जो प्रोटीन टारगेटिंग है ये आप कब शो करते हो, जब साइटोसोल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप ट्रांसपोर्टेशन शो करते हो। दिस इज द ओनली एग्जांपल कि प्रोटीन टारगेटिंग में सिर्फ आप एक ही केस लेते हो जहां को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्टेशन या को ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग की बात करते हो, जब प्रोटीन साइटोसोल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है मूव करता है। इसके अलावा बाकी जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग यानी पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल है। बस यही एक एग्जांपल आप शो करते हो, इनमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि वो पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग को शो कर रहा है, बट अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा एग्जांपल है जहां को ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग शो कर रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? साइटोसोल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साइटोसोल शो कर सकता है? नो सर, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन तो बनता नहीं है, तो ये कंडीशन ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होगा फ्रॉम द साइटोसोल टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ सी, प्रोटीन टारगेटिंग में भी दो कंडीशन हो सकते हैं। अब सपोज करो कि एटीएस राइबोसोम के द्वारा कोई प्रोटीन सिंथेसाइज्ड हुआ, सिंथेसाइज्ड होने के बाद वो प्रोटीन पहले फोल्डेड स्टेट में गया और फिर वो किसी ऑर्गेनेलिज में इंटर किया, यानी तब जाकर के उनका ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हुआ। तो मैं प्रोटीन टारगेटिंग फोल्डेड स्टेट में भी शो कर सकता हूँ, या ऐसा हो सकता है प्रोटीन पहले सिंथेसाइज्ड हुआ,
अनफोल्डेड स्टेट में उसकी एंट्री हुई और तब जाकर के वहां उसके फोल्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो आप प्रोटीन टारगेटिंग या तो फोल्डेड स्टेट में भी शो करते हो या अनफोल्डेड स्टेट में भी शो करते हो। तो प्रोटीन टारगेटिंग आप ट्रांसलेशन के प्रोसेस के साथ साथ भी शो कर सकते हो या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रांसलेशन भी शो कर सकते हो, और प्रोटीन टारगेटिंग आप प्रोटीन के फोल्डेड स्टेट में भी शो कर सकते हो और अनफोल्डेड स्टेट में भी शो कर सकते हो। अब जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर कोई प्रोटीन इंटर कर रहा है तो अनफोल्डेड स्टेट में इंटर करता है और इंटर करने के बाद वहां फोल्डिंग होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोई प्रोटीन इंटर करता है, अनफोल्डेड स्टेट में इंटर करता है और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद उसकी फोल्डिंग होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो भी प्रोटीन साइटोसोल से किसी ऑर्गेनेलिस में इंटर कर रहा है वो फोल्डेड स्टेट में जो है कन्वर्ट होने के बाद इंटर कर रहा है, वो फोल्डेड स्टेट में भी जा सकता है, अनफोल्डेड स्टेट में भी जा सकता है। ओके, अब जैसे मान लो कि मैं अगर साइटोसोल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर मूव कर रहा हूँ तो अनफोल्डेड स्टेट में जा रहा है, साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में कर रहा हूँ अनफोल्डेड स्टेट में जा रहा है, साइटोसोल से पेरोक्सीजोम में कर रहा हूँ फोल्डेड स्टेट में जा रहा है। तो ध्यान में रहे हर प्रोटीन जो है साइटोसोल से फोल्डेड स्टेट में मूव नहीं कर रहा है, अनफोल्डेड स्टेट में भी मूव कर रहा है। मैं कुछ एग्जाम्पल दे, आगे तो मैं चीजों एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। साइटोसोल से न्यूक्लियस में अगर मैं मूवमेंट शो कर रहा हूँ तो फोल्डेड स्टेट में शो कर रहा हूँ। ओके, यहां तक क्लियर? यस। देखो अभी किसी स्टूडेंट ने मेंशन किया था ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भी तो राइबोसोम होता है, उसका आंसर जो है इस इंफॉर्मेशन के साथ जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। देखो मैं राइबोसोम को 80S राइबोसोम के फॉर्म में भी शो किया हूं और 70S राइबोसोम के फॉर्म में भी शो किया हूं, चूंकि मैं यूकैरियोटिक और सेल की बात कर रहा हूं और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम जो है 80S और 70S दोनों फॉर्म में होता है। लेकिन नॉर्मली आप पूछो किसी से भी कि यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम का नेचर क्या होगा, उसका स्पॉन्टेनियस आंसर आएगा 80S, 70S तो वो मेंशन ही नहीं करते। लेकिन 70S को भी आप मेंशन करो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड आप यूकैरियोटिक सेल में अगर शो कर रहे हो तो वहां 70S राइबोसोम तो होगा ही। 80S राइबोसोम टू डिफरेंट स्टेट में आप शो करते हो। अभी जैसे किसी स्टूडेंट ने मेंशन किया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो ना बाउंड स्टेट, तो 80S राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड स्टेट में भी हो सकता है और मेम्ब्रेन फ्री स्टेट में भी हो सकता है। ये ध्यान में रहे कि राइबोसोम ऑलवेज मेम्ब्रेन बाउंड स्टेट में नहीं होता, वो एक डायनामिक जो है कंडीशन जो है फॉलो करता है। जब प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है तब वो मेम्ब्रेन से बाइंड करेगा, और जब वो प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो वो मेम्ब्रेन फ्री स्टेट में होगा। तो हो सकता है कि 80S राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड स्टेट में प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा हो, या वही 80S राइबोसोम मेम्ब्रेन फ्री स्टेट में प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा हो। यानी 80S राइबोसोम अगर प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो मेम्ब्रेन बाउंड स्टेट में भी कर सकता है और मेम्ब्रेन फ्री स्टेट में भी कर सकता है। अब क्वेश्चन है कि अगर मेम्ब्रेन बाउंड स्टेट में है तो वो कौन से मेम्ब्रेन से बाउंड होगा? देखो अगर मेम्ब्रेन बाउंड स्टेट है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से भी बाउंड हो सकता है या आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी बाउंड हो सकता है, क्योंकि आप इस बात को ऑलवेज मेंशन नहीं कर सकते कि जो मेम्ब्रेन बाउंड होगा वो सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाउंड होगा, वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी बाउंड हो सकता है। तो मैं मेम्ब्रेन बाउंड में दोनों कंडीशन शो कर रहा हूं, या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से या आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। और जो मेम्ब्रेन बाउंड है अगर वो प्रोटीन अगर सिंथेसाइज कर रहा है तो वो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो प्रोटीन इंटर करेगा और वहां से वो प्रोटीन गॉल्गी कॉम्प्लेक्स में इंटर करेगा, वहां से वो प्रोटीन लाइसोजोम में जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएगा, सेल के बाहर जाएगा। इसका मतलब है कि सेल के बाहर जितने भी प्रोटीन्स आप शो कर रहे हो, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जितने भी प्रोटीन शो कर रहे हो, लाइसोजोम में जितने भी प्रोटीन शो कर रहे हो, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स में जितने भी प्रोटीन शो कर रहे हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जितने प्रोटीन शो कर रहे हो, वो सारे मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज होगा, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम बाउंड हो या आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड हो, उनके द्वारा सिंथेसाइज होगा। तो अगर मान लो किसी ने आपसे पूछा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी प्रोटीन है वो प्रोटीन कौन से राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज होगा, वो 80S राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज होगा, यानी साइटोसोलिक 80S राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज होगा, बट वो मेम्ब्रेन बाउंड स्टेट में प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है, और वो मेम्ब्रेन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो सकता है और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हो सकता है। वहां से अगर गॉल्गी बॉडी में कोई प्रोटीन जा रहा है तो वो प्रोटीन भी उन्हीं से सिंथेसाइज हुआ, लाइसोजोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिक्रिटी प्रोटीन। अब जैसे किसी ने कहा कि कोलाजन कौन बना रहा है,
आपको मालूम होना चाहिए कि कोलाजन सिक्रेटरी प्रोटीन है, तो वो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम के द्वारा बनेगा। हीमोग्लोबिन कौन बना रहा है, मायोग्लोबिन कौन बना रहा है, अगर आपको मालूम है कि कौन सा प्रोटीन सिक्रेटरी प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन सिक्रेटरी प्रोटीन नहीं है, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि उस प्रोटीन के फॉर्मेशन में कौन सा राइबोसोम पार्टिसिपेट कर रहा है। अभी मैं एग्जांपल भी कोट करूंगा। अब सपोज करो कि कोई राइबोसोम मेम्ब्रेन फ्री स्टेट में प्रोटीन को बना रहा है, वो प्रोटीन कहां जाएगा, वो प्रोटीन न्यूक्लियस में जाएगा, साइटोसॉल में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, प्लास्टिड में जाएगा। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट जितने भी प्रोटीन है वो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज नहीं हुआ है, वो मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज हुआ है। या साइटोसॉल में जितने भी प्रोटीन है वो प्रोटीन मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज हुआ। अब जैसे मान लो आरबीसी के अंदर आप मायोग्लो हीमोग्लोबिन शो करते हो, वो साइटोसॉल में है, इसका मतलब है कि वो मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी प्रोटीन साइटोसॉल से इंटर कर रहा है वो मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज हो रहा है। प्लास्टिड में जो भी प्रोटीन इंटर कर रहा है साइटोसॉल से वो मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज हो रहा है। आपसे कब पूछा गया कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पॉलीमरेज है, वो कौन बना रहा है, वो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम नहीं बना रहा है, वो मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज हो रहा है। अब क्वेश्चन है कि 70S राइबोसोम के द्वारा जो प्रोटीन बनेगा वो उसका फेट क्या होगा, वो प्रोटीन सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में ही रहेगा, वो प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में बनने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर नहीं आता, वो प्रोटीन प्लास्टिड में बनने के बाद प्लास्टिड से बाहर मूव नहीं कर रहा है, वो प्रोटीन जिस कंपार्टमेंट में बन रहा है उसी कंपार्टमेंट के अंदर कॉन्फाइंड रहा। इसका मतलब है कि मैं 70S राइबोसोम के ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं कर रहा हूं, 70S राइबोसोम के द्वारा जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है उनके ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उन प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन तो होता ही नहीं है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिंथेसाइज हुआ तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही कॉन्फाइंड रहेगा, प्लास्टिड के अंदर सिंथेसाइज हुआ तो प्लास्टिड के अंदर ही कॉन्फाइंड रहेगा, तो मैं बात किसकी कर रहा हूँ, 80S राइबोसोम के। ये पार्ट क्लियर? यस सर। चलो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो बता दो इलास्टीन कौन सिंथेसाइज करेगा। मेम्ब्रेन बाउंड। अच्छा इलास्टीन ये करेगा। अगर मान लो कि मैं फाइब्रोनेक्टिन की बात करता, मेम्ब्रेन बाउंड। लैमिनिन की बात करता, मेम्ब्रेन फ्री। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट एडिनाइलेट साइक्लेज की बात करता, मेम्ब्रेन फ्री। अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड। और कोई भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है वो कौन सिंथेसाइज करेगा, मेम्ब्रेन बाउंड। जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के तौर पे आप कंसीडर करते हो वो कौन सिंथेसाइज करेगा, मेम्ब्रेन बाउंड। तो आप इस तरह के इंफॉर्मेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। यस सर। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी फाइंड आउट करके बताओ। Which one of the following statement correctly applies to protein which translated on rough endoplasmic reticle? अच्छा मैं एक क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, आप उसका आंसर बताना। What is the function of rough endoplasmic reticulum? Protein synthesis, ribosome center. Rough endoplasmic reticulum का काम protein synthesis होता ही नहीं है। Protein synthesis का काम ribosome का है, वो rough endoplasmic reticulum का काम नहीं है। Rough endoplasmic reticulum का काम protein की processing होता है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है। तो इसलिए अभी किसी स्टूडेंट ने मेंशन किया था ना कि राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर प्रेजेंट होगा वो प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करेगा, वो प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले नहीं कर रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले नहीं कर रहा है, राइबोसोम प्ले कर रहा है। और राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर कुछ पर्टिकुलर टाइम के दौरान जो है अगर बाउंड है तो वो उसका इंटीग्रल पार्ट नहीं है, वो तो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान कुछ समय के लिए अटैचमेंट शो कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस के कुछ समय के बाद वो वहां से फिर से डिसोसिएट कर जाएगा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है, प्रोटीन प्रोसेसिंग होता है। और प्रोसेसिंग में कौन कौन से इवेंट होंगे जब मैं वो टॉपिक डिस्कस करूंगा तो वहां मेंशन करूंगा। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, बी बी प्रोटीन टारगेट लाइसोप्लाज्म में सेल। अब मुझे बताओ इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कोई इंफॉर्मेशन मेमोराइज करना है? No, sir. आप स्टेटमेंट को चेक करके जो ना बता सकते हो कि आंसर जो ना क्या होगा, फेट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइज इन द साइटोसॉल। देखो जब कोई प्रोटीन अगर साइटोसॉल में सिंथेसाइज हो रहा है तो उनका फेट क्या होगा, क्या फेट आप कंसीडर कर सकते हो,
या तो वो प्रोटीन बनने के बाद साइटोसॉल में ही रिटेन रहे, या तो बनने के बाद किसी ऑर्गेनेलीज में मूव करें, या बनने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंटर करें, या बनने के बाद सेल के बाहर जाए, यही तो हो सकता है ना फिर? यस सर, यस सर। आप ऐसे भी सोच करके देखो कि अगर एटीएस राइबोसोम के द्वारा कोई प्रोटीन अगर सिंथेसाइज हो रहा है, तो सिंथेसाइज होने के बाद या तो किसी ऑर्गेनेलीज में मूव करेगा, या वो साइटोसॉल में ही रिटेन्ड हो जाएगा, या वो सेल के बाहर हो जाएगा, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाकर के जो है इंटर कर जाएगा, यही हो सकता है? यस सर। इसके अलावे कोई और फेट आप बता सकते हो क्या? नो सर, कोई फेट हो ही नहीं सकता है। या तो ऑर्गेनेलीज में इंटर करेगा, या तो किस साइटोसॉल में ही रिटेन होगा, या तो सेल के बाहर जाएगा, या मैक्सिमम आप ये कह सकते हो कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाकर के जो है बाइंड करेगा। ठीक, तो फिर क्वेश्चन ये होता है कि एटीएस राइबोसोम के द्वारा इतने सारे प्रोटीन बन रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन बन रहे हैं। अब उस प्रोटीन को कैसे पता चलेगा कि उन्हें किसी ऑर्गेनेलीज में इंटर करना है, या साइटोसॉल में रिटेन होना है, या सेल के बाहर जाना है? अब जैसे मान लो कोलाजन है, अब इस पर्टिकुलर प्रोटीन को कैसे पता चलेगा कि इन्हें जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंटर करना है, वहां से जो है गॉल्गी कॉम्प्लेक्स में जाना है, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स से सिक्रेटरी वेसिकल में पैक होकर के सेल के बाहर जो है सिक्रेटरी प्रोटीन के तौर पर रिलीज होना है, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि हीमोग्लोबिन को कि वो उस पर्टिकुलर प्रोटीन को साइटोसॉल में ही रिटेन होना है, उन्हें जो है किसी ऑर्गेनेलिज में इंटर नहीं करना है? ऐसा ना हो तो पता चला कि जो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बना है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बजाय साइटोसॉल में ही रिटेन हो गया, और जिसको साइटोसॉल में रिटेन होना है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए बना है उस वो माइटोकॉन्ड्रिया में मूव कर गया, जो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बना है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मूव कर गया। ऐसा तो होता नहीं है। यस सर, ऐसा तो होता नहीं है। तो क्वेश्चन होता है कि इसको गाइड कौन कर रहा है भाई? तो नॉसी, जो प्रोटीन एटीएस राइबोसोम के द्वारा साइटोसॉल में सिंथेसाइज्ड हो रहा है, उनका फेट क्या होगा उसको देखो। देखो, जो प्रोटीन एटीएस राइबोसोम के द्वारा साइटोसॉल में सिंथेसाइज्ड होता है वो दो तरह के प्रोटीन होते हैं। या तो प्रोटीन के पास कोई स्पेसिफिक सिग्नल प्रेजेंट होता है जिसको सॉर्टिंग सिग्नल के तौर पर डिस्क्राइब करते हैं, या टारगेटिंग सिग्नल के तौर पर डिस्क्राइब करते हैं, या हो सकता है कि वो प्रोटीन किसी भी तरह के सॉर्टिंग सिग्नल या टारगेटिंग सिग्नल के जो है बगैर डेवलप हुआ हो। यानी दो तरीके के प्रोटीन आप शो कर सकते हो, या तो विथ सॉर्टिंग सिग्नल या टारगेटिंग सिग्नल, या विदाउट सॉर्टिंग सिग्नल या टारगेटिंग सिग्नल। अगर किसी भी तरह का सॉर्टिंग सिग्नल या टारगेटिंग सिग्नल के बगैर बना है तो वो प्रोटीन साइटोसॉल में ही रिटेन्ड होगा, उसको कहीं जाना नहीं है। क्योंकि उसको अगर कहीं जाना होगा तो उसके लिए सॉर्टिंग सिग्नल या टारगेटिंग सिग्नल चाहिए। जब उन प्रोटीन के पास कोई टारगेटिंग सिग्नल या सॉर्टिंग सिग्नल नहीं है तो वो सेल के साइटोसॉल में ही रिटेन होगा। अब क्वेश्चन है कि अगर कोई प्रोटीन विथ सॉर्टिंग सिग्नल है या टारगेटिंग सिग्नल है तो वो सिग्नल किस फॉर्म में है? क्या वो सिग्नल किसी पर्टिकुलर सिक्वेंस के फॉर्म में है? जैसे मान लो कि ये सिक्वेंस है, किसी अमीनो एसिड के सिक्वेंस के फॉर्म में वो सिग्नल है, या वो पर्टिकुलर जो है सिग्नल एक पैच के फॉर्म में प्रेजेंट। आप उसको सीक्वेंस नहीं बोल सकते हो, एक पैच के फॉर्म में आप बता सकते हो। तो जो सॉर्टिंग सिग्नल या टारगेटिंग सिग्नल होगा उनके भी दो अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, या तो सिग्नल सीक्वेंस के फॉर्म में हो या पैच के फॉर्म में हो। अब सीक्वेंस के फॉर्म में तो वहां भी दो लोकेशन हो सकता है, या तो वो एंड पे प्रेजेंट हो यानी टर्मिनल हो, या एंड पर नहीं प्रेजेंट हो तो इंटरनल हो। दो ही हो सकता है ना, या तो वो एंड पे प्रेजेंट हो या वो इंटरनली लोकेटेड हो। अगर एंड पे प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे टर्मिनल, अगर अंदर प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे इंटरनल। तो मैं यहां दो तरीके से शो कर रहा हूं, या तो टर्मिनल है या इंटरनल। अब क्वेश्चन है कि अगर टर्मिनल है तो फिर दो ऑप्शन, या तो एंड टर्मिनस पे होगा या सी टर्मिनस पे होगा। तो मैं अगर टर्मिनस अगर शो कर रहा हूं तो आपको ये बताना होगा कि वो एंड टर्मिनस पे है या सी टर्मिनस पर। अब एंड टर्मिनस पर अगर है तो फिर आपको बताने की आवश्यकता पड़ेगी, क्या वो सिग्नल अपना रोल प्ले करने के बाद रिमूव हो जाएगा, या वो सिग्नल अपना रोल प्ले करने के बाद वहां प्रेजेंट रहेगा। तो दो ऑप्शन है, अगर अपना रोल प्ले करने के बाद भी प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं नॉन क्लीवेबल, और अगर अपना रोल प्ले करने के बाद वहां से रिमूव हो जाता है तो उसे कहते हैं क्लीवेबल। तो मैं एंड टर्मिनल सिग्नल को दो कैटेगरीज में रख रहा हूं, क्लीवेबल नॉन क्लीवेबल।
तो फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सी टर्मिनस, इंटरनल सिग्नल पैच, इनके बारे में क्या बोलूँ, ये क्लीवेबल या नॉन क्लीवेबल? ये सारे नॉन क्लीवेबल है, ये नॉन क्लीवेबल होगा, ये नॉन क्लीवेबल होगा, ये नॉन क्लीवेबल होगा। इसका मतलब है कि क्लीवेबल और नॉन क्लीवेबल अगर दो ऑप्शन अगर शो कर रहे हो तो वो एन टर्मिनल सिग्नल सिक्वेंस के लिए शो कर रहे हो। तो एटीएस राइबोसोम के द्वारा जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ या तो विथ सिग्नल होगा या विदाउट सिग्नल होगा। अगर विदाउट सिग्नल है तो वो साइटोसॉल में ही रिटेन रहेगा, विथ सिग्नल है तो सिग्नल या तो सिक्वेंस के फॉर्म में होगा या पैच के फॉर्म में होगा। सिक्वेंस के फॉर्म में है तो या तो टर्मिनल होगा या इंटरनल होगा, और अगर टर्मिनल है तो या तो एन टर्मिनस पे होगा या सी टर्मिनस पे होगा, और एन टर्मिनस पर है तो या तो क्लीवेबल होगा या नॉन क्लीवेबल होगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। और इन्हीं सिग्नल की बदौलत कोई पर्टिकुलर प्रोटीन किसी खास ऑर्गेनेलिज में मूव करता है। अगर माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन अगर माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर कर रहा है तो ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर सिग्नल की मदद से करेगा। अगर मान लो कि कोई माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन है, आपने उसके सिग्नल को निकाल दिया, एन टर्मिनस पर सिग्नल था, आपने उस सिग्नल को निकाल दिया, तो मुझे बताओ वो साइटोसॉल से माइटोकॉन्ड्रिया में मूव कर पाएगा? नो सर। वो प्रोटीन जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया में की जगह साइटोसॉल में ही रिटेन्ड हो जाएगा। Yes, तो इसका मतलब है कि सिग्नल का एक इंपॉर्टेंट रोल है। ये टर्म हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, सिक्रेटरी पाथवे यूज करते हैं। अब क्वेश्चन आई है कि सिक्रेटरी पाथवे अगर हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं तो सिक्रेटरी पाथवे का मीनिंग क्या हुआ और ये पाथवे स्टार्ट कहाँ से होगा? देखो, सिक्रेटरी पाथवे के लिए आप प्रोटीन क्या शो करते हो, तो सिक्रेटरी प्रोटीन शो करते हो। और सिक्रेटरी प्रोटीन किसके द्वारा बनता है? तो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम के द्वारा बनता है। और वो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम जो है किस ऑर्गेनेलिज के मेम्ब्रेन से बाउंड होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। इसका मतलब है कि सिक्रेटरी पाथवे का इनिशिएशन कहां से होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होगा। वहां से वो प्रोटीन गॉल्गी कॉम्प्लेक्स में जाएगा। गॉल्गी कॉम्प्लेक्स में भी आप डिफरेंट सिस्टर्नी शो करते हो, सिस, मीडियल और ट्रांस, आप पढ़ चुके होंगे। और ट्रांस सिस्टर्नी के बाद में आप ट्रांस गॉल्गी नेटवर्क की बात करते हो। और फाइनली वो प्रोटीन सिक्रेटरी वेसिकल में पैक होकर के सेल से बाहर जो है वो रिमूव होगा। तो अगर आपसे कभी भी किसी ने पूछा कि सिक्रेटरी पाथवे को ये प्रोटीन फॉलो कर रहा है, जैसे किसी ने कहा कि ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है इसका नेचर पेप्टाइड है और ये सिक्रेटरी पाथवे को फॉलो कर रहा है, तो आप बता सकते हो कि वो पर्टिकुलर जो है पॉलीपेप्टाइड या सॉरी वो जो पेप्टाइड है जो न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर काम कर रहा है वो कौन से राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज हुआ होगा? मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम के द्वारा। और वो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम किस ऑर्गेनेलिस के मेम्ब्रेन से बाउंड होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक बनने के बाद वो कहां गया होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में। वहां से वो मूव कहां किया होगा? सिस गॉल्गी में, फिर मीडियल गॉल्गी में, फिर ट्रांस गॉल्गी में, फिर ट्रांस गॉल्गी नेटवर्क में, फिर उनके बाद सिक्रेटरी वेसिकल में पैक होकर के सेल से बाहर चला गया होगा। तो मैं इसको सिक्रेटरी पाथवे मेंशन कर सकता हूं? यस सर। तो अगर मैं कोलाजन को सेल से बाहर करूं तो मैं उसको बोल सकता हूं कि कोलाजन विल फॉलो द सिक्रेटरी पाथवे? यस सर। चलो मैं इसको ब्रॉड सेंस में मेंशन कर सकता हूं कि ऑल द सिक्रेटरी प्रोटीन विल फॉलो द सिक्रेटरी पाथवे? यस सर। नो सर, कैसे? ऑल द सिक्रेटरी प्रोटीन विल फॉलो द सिक्रेटरी पाथवे, ये तो सही है। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि बुक्स में लिखा होता है एंटेरोग्रेड एंड रेट्रोग्रेड। अब जो पाथवे अगर मैं इस डायरेक्शन में फॉलो कर रहा हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिस गॉल्गी, सिस से मीडियल, मीडियल से ट्रांस, ट्रांस से ट्रांस गॉल्गी नेटवर्क और वहां से सेल से बाहर, मैं इसको कहूंगा एंटेरोग्रेड पाथवे। अगर मान लो कि पाथवे अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर फॉलो हो रहा है उसे कहते हैं रेट्रोग्रेड। जैसे मान लो अगर कोई प्रोटीन ट्रांस गॉल्गी नेटवर्क, ट्रांस गॉल्गी से मीडियल गॉल्गी में मूव किया तो मैं इसको कहूंगा रेट्रोग्रेड, और अगर मीडियल गॉल्गी से ट्रांस गॉल्गी में गया तो मैं कहूंगा एंटेरोग्रेड। अगर सिस से मीडियल में गया तो मैं कहूंगा एंटेरोग्रेड, मीडियल से सिस में गया रेट्रोग्रेड। इसका मतलब है कि आप डायरेक्शन के आधार पर मेंशन कर सकते हो कि एंटेरोग्रेड पाथवे कौन सा होगा और रेट्रोग्रेड पाथवे कौन सा होगा, मेंशन कर सकते हो? यस सर। अब तो ये कंफ्यूजन नहीं करेगा कि कब आप एंटेरोग्रेड लिखोगे, कब आप रेट्रोग्रेड लिखोगे? No, चलो किसी ने मेंशन कर दिया कि ट्रांस गॉल्गी नेटवर्क से ट्रांस गॉल्गी में अगर मूव कर रहा है तो क्या कहेंगे? रेट्रोग्रेड। देखो टर्मिनोलॉजी अगर माइंड में क्लियर है तो चीजों को समझने में आपको बहुत आसानी होगी, लेकिन अगर जैसे मान लो एंटेरोग्रेड आपको समझ में आ चुका है
तो किसी भी लिटरेचर को जब आप रीड करोगे तो आपके लिए उसको अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट नहीं होगा, आप इजीली समझ जाओगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सी ऑप्शन। सबसे पहले वो प्रोटीन कहाँ आपको दिखेगा? एंडोप्लाज्म। उसके बाद और उसके बाद सिक्रेटरी वेसिकल। और वो देखो यहाँ लिखा हुआ है ना प्रोटीन सिक्रीशन। और अगर मान लो कि एक और ऑप्शन दिया होता सेल एक्सटीरियर तो वो होता है या नहीं होता? यस सर वो भी होता। यस सर। देखो अब ये जो सॉर्टिंग सिग्नल के प्रेजेंस के बारे में इंफॉर्मेशन जो है जिन साइंटिस्ट ने दिया था उन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थे। ग्लोबल एंड सबाटिनी 1971 में सिग्नल हाइपोथेसिस वाले कंसेप्ट को प्रपोज किया, और इस सिग्नल हाइपोथेसिस में उसने जो मेंशन किया था कि जो सिक्रेटरी प्रोटीन है वो एक खास सिग्नल के साथ जो है सिंथेसाइज होता है, यानी सिक्रेटरी प्रोटीन आर सिंथेसाइज विद एंड सिग्नल सिक्वेंस, यानी जो भी सिक्रेटरी प्रोटीन है उनके साथ स्पेसिफिक सिग्नल होता है, सिग्नल सिक्वेंस के फॉर्म में होता है, यानी सिक्रेटरी प्रोटीन जब भी सिंथेसाइज होगा वो सिग्नल सिक्वेंस के साथ सिंथेसाइज होगा, और उस सिग्नल को साइटोसोलिक फैक्टर जो है रिकॉग्नाइज करता है, और रिकॉग्नाइज करने के बाद उनको अल्टीमेटली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसको टारगेट करता है, क्योंकि जो भी प्रोटीन सिक्रेटरी प्रोटीन के तौर पर शो कर रहा वो सबसे पहले इंटर कहां करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसका मतलब है कि सबसे पहले जब वो प्रोटीन सिंथेसाइज होना स्टार्ट होता है तो उसके पास स्पेसिफिक जो है सिग्नल सीक्वेंस डेवलप होते हैं, उस स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंस को जो है साइटोसोलिक फैक्टर रिकॉग्नाइज करता है, और रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको टारगेट कहां करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में टारगेट करने का मतलब है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होनी चाहिए ताकि उस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से वो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो इंटर कर पाएगा। यस या नो? यस सर। यस सर। आप ऐसे सोचो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं शो कर रहा हूं एंड दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर मेम्ब्रेन के तौर पर मैं इसको शो कर रहा हूं। अगर किसी प्रोटीन को सिक्रेटरी प्रोटीन के तौर पर सेल से बाहर जाना है तो वो प्रोटीन बनने के दौरान सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंटर करेगा, तो इसका मतलब है उस प्रोटीन के पास स्पेसिफिक सिग्नल है और उस सिग्नल के कारण वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंटर कर रहा है, तो सबसे पहले कोई साइटोसोलिक फैक्टर होगा जो उस सिग्नल को रिकॉग्नाइज करे, रिकॉग्नाइज करने के बाद वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन शो करेगा, और उस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से इस प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर डिलीवर करने के लिए अलाउ करेगा। यही होना चाहिए। Yes, sir. तो इस बात को सिग्नल हाइपोथेसिस के कंसेप्ट को प्रपोज किया था 1971 में ग्लोबल एंड सबाटिनी। इसके तीन पैरामीटर हैं: सिक्रेटरी प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड विद एन सिग्नल सीक्वेंस, साइटोसोलिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्नाइजिंग द सिग्नल सीक्वेंस और उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में टारगेट करता है, और टारगेट करने के दौरान इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, और मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए सर्टेन जो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होने चाहिए। उस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का नेचर क्या होगा ये तो मैं आगे मेंशन करूंगा, बट ऐसे कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के बगैर ये प्रोटीन तो अंदर मूव नहीं कर सकता है, ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस को शो नहीं कर सकता है। तो प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन। मुझे बताओ ये इंफॉर्मेशन अगर आप विजुलाइज कर रहे हो इंफॉर्मेशन को तब तो ये स्टेटमेंट को याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इमेजिन करो कि अगर किसी प्रोटीन को सेल से बाहर सिक्रीट होना है तो वो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होगा विद सिग्नल, उस सिग्नल को रिकॉग्नाइज करने के लिए साइटोसोल में कोई फैक्टर होगा, रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में टारगेट करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में टारगेट करने के लिए मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सारे इंफॉर्मेशन एक दूसरे से लिंक्ड है और आप इमेजिन कर सकते हो सिग्नल हाइपोथेसिस का जो कंसेप्ट है उसका जो बेसिक जो कंसेप्ट है बेसिक जो फैक्ट है वो क्या है। देखो दो तरह के प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन या तो मेम्ब्रेन के साथ अगर बाउंड है तो उसे आप मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन के तौर पर शो करते हो, या सिंपली का तो मेम्ब्रेन प्रोटीन, अगर वो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है तो उसे कहते हैं सॉल्युबल प्रोटीन। अब जैसे मान लो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से अगर कोई प्रोटीन अगर बाउंड है तो मैं इसको बोल सकता हूं मेम्ब्रेन प्रोटीन। यस सर। और अगर इसके ल्यूमेन में कोई प्रोटीन प्रेजेंट है तो मैं इसको बोल सकता हूं सॉल्युबल प्रोटीन। यस सर।
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर अगर कोई प्रोटीन प्रेजेंट है साइटोसॉल में, मैं बोल सकता हूँ सॉल्युबल प्रोटीन? यस सर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई प्रोटीन अगर बाउंड है तो मैं बोल सकता हूँ इट इज अ मेम्ब्रेन प्रोटीन? यस सर। तो मैं इस बात को अगर मेंशन ना करूं लेटर ऑन कि सॉल्युबल प्रोटीन का नेचर क्या होगा और मेम्ब्रेन प्रोटीन का नेचर क्या होगा, लेकिन इनमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए? नो सर। ठीक, तो पहले हम लोग इस बात को चेक करते हैं कि सॉल्युबल प्रोटीन का फेट ट्रांसपोर्टेशन के दौरान क्या होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोई सॉल्युबल प्रोटीन अगर मूव कर रहा है तो वो हमेशा अगर सॉल्युबल स्टेट में रहेगा या कभी सॉल्युबल स्टेट में कभी मेम्ब्रेन बाउंड स्टेट में जो है चेंज होता रहेगा? यस सर, होता रहेगा, चेंज। कैसे होता रहेगा? अगर कोई प्रोटीन सॉल्युबल प्रोटीन है तो वो मेम्ब्रेन बाउंड स्टेट में कैसे चेंज हो सकता है, या कोई मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है तो वो सॉल्युबल स्टेट में कैसे चेंज हो सकता है? यानी अगर कोई प्रोटीन अगर सॉल्युबल प्रोटीन है तो वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हमेशा सॉल्युबल स्टेट में ही रहेगा, और अगर कोई मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो ऑलवेज मेम्ब्रेन बाउंड स्टेट में ही रहेगा। अब जैसे मैं एक डायग्राम शो कर रहा हूँ, इससे आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। जो मैं एंड पे शो कर रहा हूँ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और सपोज करो कि ये एक सिक्रीटरी प्रोटीन है। सिक्रीटरी प्रोटीन है तो मैं इसको सॉल्युबल प्रोटीन मानता हूँ क्योंकि ये मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है। अगर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है तो मैं इसको सॉल्युबल प्रोटीन मान रहा हूँ, तो मैं इसको सॉल्युबल प्रोटीन के तौर पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अब ये सॉल्युबल प्रोटीन सेल के बाहर रिलीज हो रहा है तो पहले बना कहाँ और बनने के बाद इंटर कहाँ किया? तो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम के द्वारा ये सिंथेसाइज्ड हुआ, और सिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में इंटर किया, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में मैं इसको ग्रीन कलर से शो किया। तो ये प्रोटीन मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज्ड हुआ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में इंटर किया। क्यों इंटर किया भाई? सॉल्युबल प्रोटीन है, आप इसको मेम्ब्रेन बाउंड स्टेट में नहीं रख सकते हो, आपको इसको सॉल्युबल स्टेट में ही रखना होगा। अब ये प्रोटीन सिक्रेटरी प्रोटीन है, इसको मुझे अल्टीमेटली बाहर करना है, तो ये प्रोटीन एक ट्रांसपोर्ट वेसिकल में पैक हो करके गॉल्गी कॉम्प्लेक्स में इंटर किया, सिस गॉल्गी में इंटर किया। अब आपके माइंड में आएगा ये प्रोटीन डायरेक्टली जो है सिक्रेटरी वेसिकल में पैक होकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर क्यों नहीं चला गया? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि प्रोटीन का सिर्फ सिंथेसिस होना नहीं है, प्रोटीन की प्रोसेसिंग भी होनी है। प्रोसेसिंग के दौरान बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस होंगे, वो चेंजेस डिफरेंट कंपार्टमेंट में होंगे, क्योंकि उन चेंजेस के लिए जो डिफरेंट एंजाइम्स है वो डिफरेंट कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है। इसीलिए कभी भी ये बाईपास वाला प्रोसेस जो है फॉलो नहीं होता। तो जो प्रोटीन सॉल्युबल प्रोटीन के तौर पर बना वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल में पैक होकर के सिस गॉल्गी नेटवर्क से जाकर के फ्यूज कर गया, और सिस गॉल्गी नेटवर्क के ल्यूमेन में इंटर किया, वहां से गॉल्गी स्टैक यानी गॉल्गी एपरेटस में वो सिस मीडियल और ट्रांस उनके ल्यूमेन में इंटर किया। अब देखो ट्रांस गॉल्गी नेटवर्क में भी अगर शो कर रहा हूं तो उसके ल्यूमेन में शो कर रहा हूं। ट्रांस गॉल्गी नेटवर्क से अगर उसको बाहर करना है तो सिक्रेटरी वेसिकल के आप ल्यूमेन में शो कर रहा हूं, और वहां से वो बाहर मूव कर रहा है तो वो सॉल्युबल फॉर्म में बाहर कर रहा है। तो मैं सॉल्युबल प्रोटीन का अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन अगर शो कर रहा हूँ तो कोई भी ऐसा स्टेट है या स्टेज है जब मैं उनको मेम्ब्रेन बाउंड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया? नो सर। अगर वो सॉल्युबल प्रोटीन है तो वो ऑलवेज सॉल्युबल स्टेट में ही मेंटेन होगा ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। अब चाहे वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहे या वो किसी ट्रांसपोर्ट वेसिकल में रहे या गॉल्गी कॉम्प्लेक्स में रहे या सिक्रेटरी वेसिकल में रहे या सेल के बाहर रहे, उसको सॉल्युबल फॉर्म में ही आपको रखना होगा, और वो सॉल्युबल फॉर्म में ही मेंटेन रहेगा, वो मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म में मेंटेन नहीं हो सकता। यहां तक क्लियर है? यस सर। देखो अब मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दिखा रहा हूं, इसका मतलब है कि ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है, और ये मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में शो कर रहा हूं तो ये प्रोटीन बनने के बाद सबसे पहले जो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम के द्वारा बनने के बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में इंटर किया। अब देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से अगर मैं इनको शो कर रहा हूँ अटैच्ड, तो मैं इसको मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन के तौर पर शो करूंगा। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये क्या कभी मेम्ब्रेन बाउंड से सॉल्युबल स्टेट में चेंज हुआ? नहीं हुआ। जब वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल के द्वारा मूव कर रहा है तब भी मेम्ब्रेन बाउंड स्टेट में, सिस गॉल्गी से मूव कर रहा है तब भी मेम्ब्रेन बाउंड स्टेट में,
ट्रांस गोल्गी से मूव कर रहा है तब भी मेम्ब्रेन बाउंड स्टेट में, सिक्रेटरी वेसिकल से मूव कर रहा है तब भी मेम्ब्रेन बाउंड स्टेट में, और जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंटर कर रहा है तब भी वो मेम्ब्रेन बाउंड स्टेट में। यानी आप मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन का यानी मेम्ब्रेन प्रोटीन का फेट ऑलवेज मेम्ब्रेन बाउंड स्टेट में शो करते हो, और सिर्फ कहानी यहां जाकर के स्टॉप नहीं हो रही। एक और कंडीशन चेक करो, आप देखो कि अगर मान लो कि मैं इस पर्टिकुलर प्रोटीन का एन टर्मिनस नॉन साइटोसोलिक और सी टर्मिनस साइटोसोलिक शो पी हूं, ये साइटोसोलिक है और ये एन टर्मिनस नॉन साइटोसोलिक। आप चेक करो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से बाउंड है तो सी टर्मिनस साइटोसोलिक है या सी टर्मिनस नॉन साइटोसोलिक? साइटोसोलिक, क्योंकि ल्यूमेन का ल्यूमेन को आप नॉन साइटोसोलिक रीजन के तौर पर शो करोगे, बाहर है साइटोसोलिक। आप देखो ट्रांसपोर्ट वेसिकल के अंदर जो ना पैक्ड है, सी टर्मिनस साइटोसोलिक या नॉन साइटोसोलिक? सिस गोल्गी नेटवर्क में साइटोसोलिक या नॉन साइटोसोलिक? साइटोसोलिक। ट्रांस गोल्गी नेटवर्क में साइटोसोलिक या नॉन साइटोसोलिक? साइटोसोलिक। सिक्रेटरी वेसिकल में साइटोसोलिक या नॉन साइटोसोलिक? साइटोसोलिक। इसका मतलब है कि सिर्फ वो मेम्ब्रेन प्रोटीन मेम्ब्रेन बाउंड स्टेट में ही मूव नहीं कर रहा है, बल्कि अगर उसका सी टर्मिनस साइटोसोलिक है तो वो ऑलवेज साइटोसोलिक कंडीशन को ही मेंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो फेट शो करते हो वो फिक्स है। अगर सॉल्युबल प्रोटीन है तो वो सॉल्युबल स्टेट में ही मूव करेगा, मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है तो वो मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म में ही मूव करेगा। अगर वो मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन का एन टर्मिनस नॉन साइटोसोलिक है तो वो ऑलवेज नॉन साइटोसोलिक ऑरिएंटेशन में ही प्रेजेंट होगा, वो कभी साइटोसोलिक ऑरिएंटेशन शो नहीं करेगा। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यू आर फॉलोइंग द इंट्रासेलुलर सॉर्टिंग ऑफ इंटीग्रल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इंटीग्रल प्रोटीन को आप चेंज कर रहे हो, उसको चेक कर रहे हो, और उसको लेबल्ड किया गया है, उस प्रोटीन को लेबल्ड किया गया है रेडियो लेबल्ड रेडियो एक्टिव सल्फर से। आफ्टर वन साइकिल ऑफ डिविजन द सेल वेयर ट्रीटेड विथ ए पोटेंट इनिबिटर ऑफ द प्रोटीन बायोसिंथेसिस and processed for subcellular fractionation. In which of the following fraction will you expect the presence of this protein upon immunoprecipitation with specific antibody? देखो language चाहे कुछ भी हो, पहले मुझे ये बताओ कि अगर integral protein है जिसको कि plasma membrane में present होना है, वो particular protein synthesize किसके द्वारा होगा? Membrane bound ribosome के द्वारा? Membrane bound ribosome के द्वारा synthesized होने के बाद सबसे पहले endoplasmic reticulum के membrane से इंटीग्रेट करेगा? यस सर। फिर वहां से ट्रांसपोर्ट वेसिकल में पैक होकर के जो है मूव करेगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास? यस सर। गोल्गी कॉम्प्लेक्स से सिक्रेटरी वेसिकल में जाएगा? यस सर। सिक्रेटरी वेसिकल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएगा? यस सर। तो इन प्रोटीन के प्रेजेंस को अगर अगर इन प्रोटीन को रेडियो लेबल्ड कंडीशन में शो किया गया है तो रेडियो लेबलिंग या तो यहां मिल सकता है या ट्रांसपोर्ट वेसिकल में मिल सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वेसिकल के द्वारा वो मूव कर रहा है, या तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आपको मिल सकता है या सिक्रेटरी वेसिकल में मिल सकता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको फाइनली मिल सकता है। आप बताओ आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। लिखा ओनली साइटोप्लाज्म, ये तो गलत है। नो सर। ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन गलत है? ये भी गलत है। बोथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो सकता है? यस सर। ओनली सिक्रेटरी वेसिकल एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गलत है? गलत है, दोनों में होगा। मुझे बताओ कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है या नहीं? यस सर। अब पहले जो टाइटल है उसको रीड करो, क्या लिखा हो? ओरिएंटेशन ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। जो मेम्ब्रेन लिपिड है उनके ओरिएंटेशन की बात कर रहा हूँ। अब सबसे पहले आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में कंडीशन को चेक करो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में मैंने बताया था कि वहां लिपिड के बायलेयर होते हैं। Yes, अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो कर रहा हूँ तो लिपिड का बायलेयर शो कर रहा हूँ। एक नॉन साइटोसोलिक लिफलेट होता है और दूसरा साइटोसोलिक लिफलेट होता है, होता है या नहीं होता? यस सर। यस सर। एक साइटोसोलिक लिफलेट होगा और दूसरा नॉन साइटोसोलिक लिफलेट होगा, ठीक। अब मैं डायग्राम शो कर रहा हूँ आप, क्योंकि इन पर बेस्ड ये क्वेश्चन गेट के पेपर में गेट के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। वो क्वेश्चन जो आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड की गई है उसके सेल ऑर्गेनेलिज वाले टॉपिक के अंदर जो है दिया हुआ है, आप वहां उस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने की कोशिश करना। अभी मैं यहाँ डायग्राम से कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो क्यों, रेड कलर से साइटोसोलिक लिफलेट को शो क्यों, और जो ग्रे कलर है
उसे नॉन साइटोसोलिक लिफलेट को सौंपी हूँ। मुझे बताओ एक साइटोसोलिक और एक नॉन साइटोसोलिक लिफलेट आपको दिख रहा है? यस सर। ठीक है, अब एक ट्रांसपोर्ट वेसिकल बना, तो जो साइटोसोलिक लिफलेट है वो साइटोसोल को फेस करेगा? यस सर। जो नॉन साइटोसोलिक लिफलेट है वो नॉन साइटोसोलिक साइट को फेस करेगा? यस सर। तो मुझे बताओ कि जो कंडीशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है वही कंडीशन यहाँ भी है या नहीं? यस सर, सेम कंडीशन। ठीक है, मुझे बताओ गॉल्गी कॉम्प्लेक्स में भी वही सेम कंडीशन होगा? यस सर। जो जो साइटोसोलिक लिफलेट है वो साइटोसोल को फेस करेगा, जो नॉन साइटोसोलिक लिफलेट है वो नॉन साइटोसोलिक साइट को फेस करेगा? यस सर। ठीक, सिक्रेटरी वेसिकल में आप जब शो करोगे तो ये साइटोसोलिक लिफलेट है तो साइटोसोल को फेस करेगा, नॉन साइटोसोलिक लिफलेट है तो नॉन साइटोसोलिक साइट फेस करेगा? यस सर। इसका फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद देखो ये नॉन साइटोसोलिक लिफलेट है, ग्रे को मैंने नॉन साइटोसोलिक शो किया और रेड को मैं साइटोसोलिक शो किया। फ्यूजन के बाद आप मुझे बताओ जो नॉन साइटोसोलिक लिफलेट है वो नॉन साइटोसोलिक साइट आपको दिख रहा है? यस सर। और जो साइटोसोलिक लिफलेट है वो साइटोसोल में दिख रहा है? यस सर। तो मुझे बताओ क्या सॉल्युबल प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान सॉल्युबल फेट से मेम्ब्रेन बाउंड फेट में चेंज हो रहा है? नो सर। नो सर। क्या मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन सॉल्युबल प्रोटीन के फेट में चेंज हो रहा है? नो सर। क्या एंड टर्मिनस अगर साइटोसोलिक है तो क्या वो कभी नॉन साइटोसोलिक साइट हो रहा है? नो सर। उसी तरह से अगर कोई साइटोसोलिक लिफलेट है तो क्या वो कभी साइटोसोलिक और कभी नॉन साइटोसोलिक लिफलेट में चेंज हो जाएगा? नो सर। तो अगर वो साइटोसोलिक लिफलेट है तो ऑलवेज साइटोसोल को ही फेस करेगा, और अगर नॉन साइटोसोलिक लिफलेट है तो वो नॉन साइटोसोलिक साइट फेस करेगा। अब देखो मैं ग्रे कलर से नॉन साइटोसोलिक लिफलेट शो किया, आप देखो कि कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान मैं उनको नॉन साइटोसोलिक से साइटोसोलिक साइट नहीं शो किया, और जो साइटोसोलिक है उसको मैं ऑलवेज साइटोसोलिक साइट ही शो किया, कहीं भी उसको नॉन साइटोसोलिक साइट नहीं शो किया। इसका मतलब है कि ओरिएंटेशन जो है ना वो फिक्स रहेगा या चेंज होता रहेगा? फिक्स रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट के पेपर में, और काफी पहले ये क्वेश्चन जो ना आया था, तो जो एमसीक्यूज की बुक आपको प्रोवाइड की गई है उसको एक बार चेक करना। ठीक है, अब मैं एक स्पेसिफिक जो है ऑर्गेनेल्स के रिस्पेक्ट में कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहा हूं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोसोल। अब वन बाय वन एक एक जो है कंडीशन को जो है डिस्क्राइब करूंगा, पहले मैं न्यूक्लियस का करता हूँ, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का करूंगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया का, फिर एपिसोम का, फिर गॉल्गी कॉम्प्लेक्स का, इस तरह से देखेंगे। तो पहले देखो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोसोल, मुझे बताओ कि ये ट्रांसपोर्टेशन बायडायरेक्शनल है या यूनिडायरेक्शनल? बायडायरेक्शनल। यानी साइटोसोल से न्यूक्लियस में भी जा रहा है और न्यूक्लियस से साइटोसोल में भी आ रहा है। ठीक, यानी बायडायरेक्शनल है। तो अगर साइटोसोल से अगर मान लो कि न्यूक्लियस में जा रहा है तो इसको डिस्क्राइब किया जाता है इम्पोर्ट, और न्यूक्लियस से अगर साइटोसोल में अगर मूव कर रहा है तो इसे कहा गया एक्सपोर्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन का नेचर बायडायरेक्शनल है, और इसमें आप इम्पोर्ट भी शो कर रहे हो और एक्सपोर्ट भी शो कर रहे हो। और ये ध्यान रहे, अगर साइटोसोल से न्यूक्लियस में गया है तो वो इम्पोर्ट है, और अगर न्यूक्लियस से अगर साइटोसोल में मूव किया है तो वो एक्सपोर्ट है। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। देखो जब आप न्यूक्लियस और साइटोसोल के बीच ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को शो करते हो तो प्रोटीन को न्यूक्लियर इनवेलप को क्रॉस करना पड़ेगा, और न्यूक्लियर इनवेलप में आप न्यूक्लियर पोर शो कर रहे हो, चूंकि वो न्यूक्लियर पोर बहुत सारे प्रोटीन से बना है, जो उसको आप सिंपली कहते हो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। अगर मान लो कि मुझे इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट दोनों में से किसी भी प्रोसेस को शो करना है तो उसके लिए मुझे प्रोटीन को न्यूक्लियर इनवेलप से होकर के क्रॉस करवाना होगा, चाहे साइटोसोल से न्यूक्लियस हो या न्यूक्लियस से साइटोसोल में। और न्यूक्लियर इनवेलप में आप न्यूक्लियर पोर के प्रेजेंस को शो करते हो, और न्यूक्लियर पोर चूंकि लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का बना होता है और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके लिए नाम दिया गया है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो आप इसको सिंपली न्यूक्लियर पोर नहीं कह करके एक न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के तौर पर डिस्क्राइब करते हो, और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को मैं लार्ज मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के तौर पर डिस्क्राइब कर सकता हूँ। और इस लार्ज मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का जो ओवरऑल शेप होता है वो सिलेंड्रिकल होता है और ऑक्टागोनल होता है। इसका मतलब है कि एक सिलेंड्रिकल शेप
आप शो करते हो लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का, ये जो लार्ज मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है उसका आप एक सिलिंड्रिकल शेप शो कर रहे हो, और सिमेट्री कैसा है, ऑक्टागोनल है। और इस लार्ज मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में मोर देन 30 डिफरेंट प्रोटीन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मोर देन 30 डिफरेंट प्रोटीन्स, और हर प्रोटीन्स के मल्टीपल कॉपीज होंगे। आप इमेजिन करो कि कितना बड़ा ये जो है प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, तो कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ द 30 डिफरेंट प्रोटीन्स। और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में जो भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको आप एक नाम देते हो, उसका नाम है न्यूक्लियोपोरिन। तो अगर मान लो कहीं लिखा हुआ न्यूक्लियोपोरिन, तो इसका मतलब है कि आप उस प्रोटीन की बात कर रहे हो जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। और तो कुछ न्यूक्लियोपोरिन है उसके पास एक खास मोटिफ होता है जिसको आप डिस्क्राइब करते हो एफ जी मोटिफ के तौर पर, मोटिफ या डोमेन, आप दोनों में से कोई भी टर्म यूज कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टर्म यूज करो मोटिफ। तो कुछ ऐसे न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन है जिसके पास स्पेसिफिक मोटिव प्रेजेंट होता है, जिसको कहा गया एफ जी मोटिव। एफ का मतलब हुआ फिनाइल एलानिन और जी का मतलब हुआ ग्लाइसिन, यानी फिनाइल एलानिन और ग्लाइसिन के रिपीट्स होते हैं जो एक खास मोटिव के तौर पर काम करता है, जिसको कहा गया एफ जी मोटिव के तौर पर। तो मैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के फीचर क्या शो कर रहा हूं, एक लार्ज मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के तौर पर इसको शो कर रहा हूं। ओवरऑल एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है ये डेवलप कर रहा है जिसकी ऑक्टागोनल सिमेट्री होती है, मोर देन 30 डिफरेंट प्रोटीन्स यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है, और उन प्रोटीन्स को आप न्यूक्लियोपोरिन के तौर पे डिस्क्राइब करते हो, और कुछ न्यूक्लियोपोरिन के केस में स्पेसिफिक मोटिव आप शो करते हो जिसको आप एफ जी रिपीट्स के तौर पर डिस्क्राइब करते हो या एफ जी मोटिव्स के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। ये इंफॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस के दौरान इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात करोगे तो वहाँ ऑलवेज जो है ये टर्म जो है बार बार यूज होगा, एफ जी मोटिव या एफ जी रिपीट। और एफ किसको डिनोट कर रहा है, तो फिनाइल एलानिन को, और जी किसको डिनोट कर रहा है, तो ग्लाइसिन को। यानी फिनाइल एलानिन और ग्लाइसिन का जो ये एक सिक्वेंस है उनका आपको रिपीटेशन मिल रहा है जिनको एफ जी रिपीट या एफ जी मोटिव के तौर पर आप डिस्क्राइब करते हो। और कहाँ प्रेजेंट है, तो कुछ न्यूक्लियोपोरिन में प्रेजेंट है। और न्यूक्लियोपोरिन टर्म आप किन प्रोटीन के लिए यूज करते हो, तो वो जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में जितने भी प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं उसके लिए आप टर्म यूज करते हो न्यूक्लियोपोरिन। इसलिए मैं यहाँ टर्म मेंशन किया हूँ न्यूक्लियोपोरिन। ये पार्ट क्लियर? यस सर। इसका मैं एक जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को यहाँ मैं शो किया हूँ, ये डायग्राम बुक में भी है, आप वहां से भी देख सकते हो। देखो न्यूक्लियर इन्वेलप के केस में आप एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वेलप के केस में आप एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन शो करते हो और एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन शो करते हो, और जहां न्यूक्लियर पोर होता है वहां ये दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे से फ्यूज्ड होता है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप। एक साइटोसोलिक साइड है और दूसरा न्यूक्लियर साइड। आप रिंग लाइक स्ट्रक्चर शो करते हो जिसको मैं यहाँ साइटोप्लाज्मिक रिंग के तौर पर शो किया हूं, इसको मैं यहाँ ग्रीन कलर से शो किया हूं, और एक न्यूक्लियर रिंग शो किया हूं जिसको मैं पर्पल कलर से शो किया हूं। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर दोनों साइड प्रेजेंट है, साइटोसोलिक साइड भी प्रेजेंट है जिसको साइटोप्लाज्मिक रिंग कहा गया, और जो न्यूक्लियस की ओर प्रेजेंट है उसे न्यूक्लियर रिंग के तौर पर डिस्क्राइब किया गया। जो साइटोसोलिक साइटोप्लाज्मिक रिंग है उनके साथ कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर अटैच है जिसको कहा गया साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट, और जो न्यूक्लियर रिंग है उनके साथ एक बास्केट अटैच है जिसका नाम है न्यूक्लियर बास्केट। उस न्यूक्लियर बास्केट के एंड पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका नाम है डिस्टल रिंग, और ये जो है न्यूक्लियर फिलामेंट है, यहाँ डिस्टल रिंग है, और ये ओवरऑल स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियर बास्केट। और जिस एफ जी रिपीट्स के बारे में मैं बात कर रहा, तो वो एफ जी रिपीट्स यहाँ प्रेजेंट। इसका मतलब है कि जब भी कोई प्रोटीन यहाँ से होकर के मूव करेगा या इंपोर्ट के दौरान या एक्सपोर्ट के दौरान, उन्हें एफ जी रिपीट के साथ इंटरेक्शन जो है शो करना पड़ेगा। इसीलिए मैं एफ जी रिपीट्स का जो है जिक्र जो है पहले कर चुका हूँ। और आप शेप देखो, ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर के तौर पर आपको दिख रहा है, और ऑक्टागोनल इसकी सिमेट्री आपको जो है मिल रही है, और ये एक हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के तौर पर आप कंसिडर करते हो जिसका नाम है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। अब इसमें ये सारे इंफॉर्मेशन जो है मेमोराइज करने की आवश्यकता नहीं है, बट ये ध्यान में रहे कि ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ऑक्टागोनल शेप है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन से बना है, मोर देन 30 डिफरेंट प्रोटीन यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है जिसको न्यूक्लियोपोरिन के तौर पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ, और कुछ न्यूक्लियोपोरिन के केस में स्पेसिफिक मोटिव प्रेजेंट होता है जिसको आप एफ जी रिपीट्स या एफ जी मोटिव के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। अब बेसिकली हमें देखना है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। मुझे ये बताओ कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोटीन
साइटोसॉल से, इसको मैं साइटोसॉल के तौर पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ, और ये न्यूक्लियस है। साइटोसॉल से न्यूक्लियस में अगर मूव कर रहा है तो मैं इसको इम्पोर्ट कहूंगा। यस सर। ये प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होगा मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम से या मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम से? मेम्ब्रेन फ्री। मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम। अच्छा, ये मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज नहीं होगा, ये मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज होगा। तो दिस इज द वन इंफॉर्मेशन जो आप मेंशन कर सकते हो। दूसरा इंफॉर्मेशन कि क्या यह ट्रांसलेशन के प्रोसेस के दौरान मूव करेगा या ट्रांसलेशन के प्रोसेस के कंप्लीशन के बाद मूव करेगा? कंप्लीशन के बाद। यानी पोस्ट ट्रांसलेशनल या को ट्रांसलेशनल? फिर एक और इंफॉर्मेशन चेक करना होगा कि क्या यह प्रोटीन फोल्डेड स्टेट में मूव करेगा या अनफोल्डेड स्टेट में मूव करेगा। तो मैं इन तीन इंफॉर्मेशन को यहां समराइज किया हूं, और मुझे लगता है ये इंफॉर्मेशन आपके माइंड में क्लियर भी है। मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज्ड हो रहा है, ट्रांसलेशन के प्रोसेस के कंप्लीशन के बाद ये साइटोसोल से न्यूक्लियस में जाएगा, और ये कंप्लीटली फोल्डेड कंफर्मेशन में जो है ना मूव करेगा। ऐसा नहीं कि पहले अनफोल्डेड स्टेट में मूव किया और न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद इसकी फोल्डिंग जो है ना कंप्लीट हुई, ऐसा नहीं हो रहा है। यहां तक क्लियर है? यस सर। और इस तरह के इंफॉर्मेशन जब भी आप ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस को शो करोगे, सपोज करो कि साइटोसोल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में शो कर रहा हूं, आप इन सारे इंफॉर्मेशन को वहां भी रिपीट करोगे। अगर मैं साइटोसोल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूंगा तो वहां लिखूंगा मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम की जगह मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम, पोस्ट ट्रांसलेशन की जगह को ट्रांसलेशन, फोल्डेड कंफर्मेशन की जगह अनफोल्डेड कंफर्मेशन। तो जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को डिस्क्राइब करोगे तो वहां आप एक कॉमन पैटर्न को जो है ना फॉलो करना, और एक कॉमन पैटर्न मैं न्यूक्लियस के केस में मेंशन कर रहा हूं, इसी को आप रिपीट करते जाना। ओके? यस सर। ट्रांसपोर्ट थ्रू द न्यूक्लियर पोर। अब देखो, साइटोसोल से जब आप इंपोर्ट के प्रोसेस को शो करते हो या एक्सपोर्ट के प्रोसेस को शो करते हो न्यूक्लियस से साइटोसोल, तो ट्रांसपोर्टेशन का नेचर पैसिव भी हो सकता है और एक्टिव भी हो सकता है। पहले तो ट्रांसपोर्टेशन के नेचर को आपका तो गेटेड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से होकर के अगर कोई प्रोटीन अगर मूव कर रहा है तो आप उसको गेटेड ट्रांसपोर्टेशन की कैटेगरीज में रखते हो। अब ये गेटेड ट्रांसपोर्टेशन का नेचर जो है ना पैसिव भी हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है। अब क्वेश्चन है कि गेटेड ट्रांसपोर्टेशन का नेचर अगर पैसिव है तो कब होगा पैसिव, और अगर एक्टिव है तो कब होगा? अगर मान लो कि किसी ऐसे जो है ना प्रोटीन का मूवमेंट शो कर रहा हो जिनका साइज 40 किलो डाल्टन से कम है, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को फॉलो नहीं करेगा, वो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को फॉलो करेगा। लेकिन अगर मान लो प्रोटीन लार्जर साइज का है, सपोज करो कि 40 किलो डाल्टन से उसका साइज जो है ना लार्जर है, तो ऐसे कंडीशन में न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से होकर के जब उनका मूवमेंट होगा तो वो मूवमेंट का प्रोसेस जो है पैसिव नहीं होगा, एक्टिव होगा। इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन जो न्यूक्लियर पोर के थ्रू मैं शो कर रहा हूं वो गेटेड ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल है, और ये गेटेड ट्रांसपोर्टेशन पैसिव भी हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है। पैसिव कब होगा? जब जो प्रोटीन का साइज जो है ना 40 किलो डाल्टन से छोटा होगा। एक्टिव कब होगा? जब प्रोटीन का साइज 40 किलो डाल्टन से ज्यादा होगा। यानी आप पैसिव और एक्टिव दोनों तरह के ट्रांसपोर्टेशन को शो कर रहे हो, और जब आप इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन को शो कर रहे हो तो मुझे बताओ अगर पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है तो ये ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेटेड होगा या नॉन रेगुलेटेड? नॉन रेगुलेटेड। स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। लेकिन क्या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस नॉन रेगुलेटेड होगा या रेगुलेटेड? रेगुलेटेड। स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस। अब तो ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द न्यूक्लियर पोर गेटेड ट्रांसपोर्टेशन का एग्जाम्पल है या ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन का? Gated transport. It can be passive as well as the active. Yes, sir. अगर protein का size अगर 40 किलो डाल्टन से छोटा है तो passive. With the help of energy या without help of energy? Without. Regulated या non-regulated? Non-regulated. Spontaneous या non-spontaneous? Spontaneous. और active transportation का process regulated होगा? Yes, sir. Non-spontaneous होगा? Yes, sir. With the help of energy होगा? Yes, sir. Yes, sir. और ये लार्जर प्रोटीन के केस में आप शो करोगे? Yes, sir. Yes, sir. और रेफरेंस आप पॉइंट क्या शो कर रहे हो? तो 40 किलो डाल्टन से अगर ज्यादा साइज है तो उनका एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन आप शो करोगे। अब देखो, एक्टिव न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं प्रोटीन का साइज 40 किलो डाल्टन से ज्यादा ले रहा हूं। मैं पैसिव की बात नहीं कर रहा हूं, एक्टिव की बात कर रहा हूं। तो बताओ ये पर्टिकुलर जो प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस तो होगा नहीं, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। रेगुलेटेड होगा? With the help of energy होगा?
तो मुझे बताओ इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस सिग्नल सीक्वेंस डिपेंडेंट होगा या सिग्नल सीक्वेंस इंडिपेंडेंट होगा? डिपेंडेंट होगा। अच्छा, कोई खास प्रोटीन इसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा या नहीं करेगा? यस सर, करेगा। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के साथ कोई इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन करेगा या नहीं करेगा? यस सर करेगा। यस सर करेगा। ये प्रोसेस अगर एक्टिव प्रोसेस है तो जीटीपी इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा? यस सर। यस सर। अगर ये प्रोसेस रेगुलेटेड है तो कोई मोनोमरिक जी प्रोटीन रोल प्ले करेगा या नहीं करेगा? यस सर करेगा। करेगा। तो मैं कुछ नाम यहाँ मेंशन किया हूँ, मुझे बताओ कि ये एक्टिव न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये कंपोनेंट पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा? कार्गो प्रोटीन, यानी जिस प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन शो कर रहा हो, चाहे वो इम्पोर्ट की बात हो या एक्सपोर्ट की बात हो, विद सिग्नल होगा या विदाउट सिग्नल होगा? विद सिग्नल। ठीक, विद सिग्नल। उस सिग्नल को रिकॉग्नाइज करने वाला प्रोटीन यहाँ पार्टिसिपेट करेगा। अगर वो इम्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इम्पोर्टिन, और एक्सपोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है तो एक्सपोर्टिन। यस सर। और इस पर्टिकुलर जो है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो कम्युनिकेट करेगा या इंटरेक्शन करेगा किसके साथ? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के साथ। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में कौन प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोपोरिन। न्यूक्लियोपोरिन। न्यूक्लियोपोरिन में भी किन के साथ इंटरेक्शन करेगा? एफजी मोटिव के साथ। इसका मतलब ये भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि प्रोसेस एक्टिव है तो जीटीपी इन्वॉल्व होगा। प्रोसेस रेगुलेटेड है तो मोनोमरिक जी प्रोटीन रोल प्ले करेगा, और मोनोमरिक जी प्रोटीन के तौर पे कौन सा मोनोमरिक जी प्रोटीन रोल प्ले करेगा? रैन। अब याद करो रैप के बारे में मैंने बताया था, रो के बारे में बताया था। यस सर। मैंने यही तो बताया था कि मोनोमरिक जी प्रोटीन है एक्टिव प्रोसेस में रोल प्ले करेगा और रेगुलेटेड प्रोसेस को में रोल प्ले करेगा। यस सर। तो जैसे ही रैन जीटीपीएज मेंशन है, इससे ये बात तो क्लियर हो गया कि प्रोसेस एक्टिव भी है और प्रोसेस रेगुलेटेड भी है। और न्यूक्लियोपोरिन में भी वो कौन सा मोटिव है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? एफजी मोटिव, या एफजी रिपीट लिखो या एफजी मोटिव लिखो। ओके सर, ये सिग्नल सीक्वेंस इन कार्गो मॉलिक्यूल्स वाला पॉइंट एक बार बता दीजिए। किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन का अगर मान लो आपको एक्टिव न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, मान लो कोई प्रोटीन है साइटोसोल में, उनका एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करना है न्यूक्लियस में, उनके लिए स्पेसिफिक सिग्नल होने चाहिए ना? अगर सिग्नल नहीं होगा तो उस प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन तो होगा नहीं। तो वही लिखा गया है, आप कार्गो मॉलिक्यूल की जगह आप सिंपली लिखो प्रोटीन। नॉर्मली क्या होता है कि जिन प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको लिखा जाता है कार्गो। तो आप कार्गो से अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सिंपली लिखो प्रोटीन मॉलिक्यूल, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। No, और मैं ये बात किन की कर रहा हूँ, इम्पोर्ट की या एक्सपोर्ट की? इम्पोर्ट। दोनों की बात करो। एक्टिव या पैसिव? मोर देन 40 किलो डाल्टन का प्रोटीन या लेस देन 40 किलो डाल्टन का प्रोटीन? मोर देन 40 किलो। गेटेड ट्रांसपोर्टेशन या नॉन गेटेड ट्रांसपोर्टेशन? गेटेड ट्रांसपोर्टेशन। पोस्ट ट्रांसलेशनल या को ट्रांसलेशनल? पोस्ट ट्रांसलेशनल। फोल्डेड स्टेट में या अनफोल्डेड स्टेट में? अब क्वेश्चन है कि जो सिग्नल है वो पैच के फॉर्म में या सीक्वेंस के फॉर्म में? देखो याद करो, जब मैंने आपको सिग्नल सिग्नल के बारे में बताया था, मैंने कहा था कि इसी प्रोटीन में सिग्नल सीक्वेंस के फॉर्म में भी हो सकता है, पैच के फॉर्म में भी हो सकता है। अगर सीक्वेंस के फॉर्म में है तो इंटरनल भी हो सकता है, टर्मिनल भी हो सकता है। अगर टर्मिनल है तो मैंने कहा था एन टर्मिनस पर भी हो सकता है, सी टर्मिनस पर भी हो सकता है। अगर एन टर्मिनस पर है तो मैंने कहा था क्लीवेबल भी हो सकता है, नॉन क्लीवेबल भी हो सकता है, बोला था ना? यस सर। तो मुझे बताओ यहाँ सिग्नल किस फॉर्म में प्रेजेंट है? सीक्वेंस। सीक्वेंस के फॉर्म। ठीक, अभी मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि वो टर्मिनल है या इंटरनल है, एन टर्मिनस पर है या सी टर्मिनस पर, मैं सिग्नल को सीक्वेंस के फॉर्म में शो कर रहा हूँ। अब इम्पोर्ट के लिए जो सिग्नल होगा और एक्सपोर्ट के लिए जो सिग्नल होगा वो अलग अलग सिग्नल होंगे? यस सर। तो मैं मुझे बताओ कि मैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए जो सिग्नल सीक्वेंस है उसको ये नाम दे सकता हूँ? न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल इंपोर्ट के लिए, जो न्यूक्लियस में प्रोटीन को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको कहा गया न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। और जो न्यूक्लियस से प्रोटीन को बाहर कर रहा है उसका नाम पड़ा न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल। तो आप एक सिग्नल इंपोर्ट के लिए शो कर रहे हो, एक सिग्नल एक्सपोर्ट के लिए शो कर रहे हो। इंपोर्ट के लिए जो शो कर रहे हो उसका नाम है न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, एक्सपोर्ट के लिए जो शो कर रहे हो उसका नाम है न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल। और आप सिग्नल सीक्वेंस की बात कर रहे हो, सिग्नल पैच की बात नहीं कर रहे हो, सिग्नल सीक्वेंस की बात कर रहे हो। इंपोर्ट के लिए न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, एक्सपोर्ट के लिए न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल की बात कर रहे हो।
अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल की। अगर मान लो कि सिग्नल सीक्वेंस है तो लोकेशन बताना होगा, इंटरनल है या टर्मिनल है? यस सर। इसका लोकेशन होता है इंटरनल। तो बताओ ये क्लीवेबल होगा या नॉन क्लीवेबल? नॉन क्लीवेबल। और इस तरह के जो सिग्नल होते हैं इसमें पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड जो है ज्यादा प्रेजेंट होता है, तो मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड रिच कंडीशन। यस सर। और पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड के तौर पर लाइसिन आर्जिनिन रिच कंडीशन शो कर सकता हूँ? यस सर। यस। इस सिग्नल को रिकॉग्नाइज करने वाला कोई प्रोटीन होगा? यस सर। उस प्रोटीन को आप इम्पोर्टिन के तौर पर डिस्क्राइब कर सकते हो? यस सर। या आप उस प्रोटीन को इम्पोर्ट रिसेप्टर के तौर पर डिस्क्राइब कर सकते हो? यस सर। ठीक है, मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप मुझे बताना कि इनमें से कौन सा पॉइंट इनकरेक्ट है। न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल का नेचर इंटरनल होता है, करेक्ट या इनकरेक्ट? करेक्ट। क्लीवेबल या नॉन क्लीवेबल? नॉन क्लीवेबल। एक ही इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड रिच कंडीशन आप शो करते हो, यानी लाइसिन आर्जिनिन रिच कंडीशन शो करते हो। और सिग्नल को रिकॉग्नाइज करने के लिए कोई साइटोसोलिक प्रोटीन होगा? यस सर। उस साइटोसोलिक प्रोटीन का नाम है इम्पोर्ट रिसेप्टर? यस सर। और उसी को आप इम्पोर्टिन के तौर पर डिस्क्राइब करते हो? यस सर। और इसी बात को मैंने यहां मेंशन किया था। अब देखो, मैंने कहा था कि सिग्नल सीक्वेंस होनी चाहिए, उस सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने वाला प्रोटीन होना चाहिए जिसको इम्पोर्टिन एक्सपोर्टिन के तौर पर डिस्क्राइब करते हो, और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान न्यूक्लियर पोरिन के साथ इंटरेक्शन करेगा, और चूंकि रेगुलेटेड और एक्टिव प्रोसेस है तो मोनोमेरिक जी प्रोटीन रोल प्ले करेगा। तो मैं अभी सिग्नल के बारे में मेंशन किया हूं और न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल के बारे में मेंशन किया, ये करेक्ट है? यस सर। यस सर। अब मुझे एक और चीज मेंशन करना है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल के बारे में कहीं कहीं लिखा होता मोनोपार्टाइट और कहीं कहीं लिखा होता बाईपार्टाइट, अब इसका मीनिंग क्या होगा? और मोनोपार्टाइट है तो इसको क्या कंसीडर करोगे, और मल्टीपार्टाइट बाईपार्टाइट है तो कंडीशन क्या शो करोगे? पहले आप मोनोपार्टाइट का कंडीशन देखो। मान लो कि कोई सिग्नल सीक्वेंस है और वो सिंगल क्लस्टर में प्रेजेंट है, कोई सिग्नल सीक्वेंस है वो सिंगल क्लस्टर में प्रेजेंट है, और ये सिग्नल जो है किस पर्टिकुलर अमीनो एसिड से बना होता है, जो बेसिक अमीनो एसिड उनसे बना होता है, आर्जिनिन और लाइसिन रिच कंडीशन शो करता हूं। तो सपोज करो कि मैं एक सिग्नल जो है ना शो कर रहा हूं और उसका नेचर मोनोपार्टाइट शो क्यों? अब देखो, लाइसिन 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 आर्जिनिन लाइसिन, इसका मतलब है कि लाइसिन आर्जिनिन रिच कंडीशन वाला ये सिग्नल है। यस सर। और एक सिंगल पैच आप शो कर रहे हो, एक सिंगल क्लस्टर शो कर रहे हो, तो इसको कहा गया मोनोपार्टाइट। ठीक। अब मान लो कि मैं एक ऐसा कंडीशन शो कर रहा हूं, के 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 आर एन 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 के आर के आर, अब देखो ये भी एक क्लस्टर है, बेसिक अमीनो एसिड रिच क्लस्टर, ये भी एक बेसिक अमीनो एसिड रिच क्लस्टर है, और बीच में आप एक लिंकर सीक्वेंस शो कर रहे हो जहां अमीनो एसिड का नेचर आप कुछ भी शो कर सकते हो। एन का मतलब हुआ कि आप अमीनो एसिड का नेचर कुछ भी शो कर सकते हो, और यहां मैं क्या शो कर रहा हूं, बेसिक अमीनो एसिड रिच कंडीशन, यहाँ क्या शो कर रहा हूँ, बेसिक अमीनो एसिड रिच कंडीशन। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि यहाँ दो क्लस्टर है बेसिक अमीनो एसिड का? यस सर। और वो लिंकर अमीनो एसिड से सेपरेटेड है? यस सर। तो मैं इस कंडीशन को बाईपार्टाइट कंडीशन के तौर पर डिस्क्राइब कर सकता हूँ, टू क्लस्टर ऑफ बेसिक अमीनो एसिड सेपरेटेड बाय द लिंकर अमीनो एसिड, उसको कहेंगे बाईपार्टाइट। लेकिन अगर सिंगल क्लस्टर है बेसिक अमीनो एसिड का तो उसको कहेंगे मोनोपार्टाइट। और फर्स्ट जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल रिपोर्ट किया गया था वो SV40 वायरस के एक खास प्रोटीन में रिपोर्ट किया गया था जिसका नाम था लार्ज टी एंटीजन। लार्ज टी एंटीजन एक प्रोटीन है, और ये प्रोटीन आप SV40 वायरस के केस में शो करते हो, और ये न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल के तौर पे काम कर रहा है, और यहां आप एक सिंगल क्लस्टर शो कर रहे हो जो बेसिक अमीनो एसिड रिच कंडीशन शो कर रहा है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल का नेचर हमेशा मोनोपार्टाइट ही होगा, मोनोपार्टाइट कंडीशन भी शो कर सकते हो और बाईपार्टाइट कंडीशन भी शो कर सकते हो। बट डिफरेंसेस मोनोपार्टाइट और बाईपार्टाइट में आप क्या शो कर रहे हो? अगर मोनोपार्टाइट है तो आप सिंगल क्लस्टर शो कर रहे हो बेसिक अमीनो एसिड का, और अगर बाईपार्टाइट शो कर रहे हो तो दो क्लस्टर आप शो कर रहे हो जो लिंकर अमीनो एसिड के साथ जो से जो ना सेपरेटेड होगा। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस।
तो फर्स्ट न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल किस प्रोटीन में रिपोर्ट किया गया था? लार्ज टी एंटीजन। और वो लार्ज टी एंटीजन आप किस पर्टिकुलर वायरस के केस में शो करते हो? SB40। अगर मान लो कि मैं इस पर्टिकुलर जो है क्लस्टर को अगर रिमूव कर दूं, तो SB40 का लार्ज टी एंटीजन न्यूक्लियस में इंटर कर पाएगा? नो सर। अभी मैं मेंशन किया था न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, अब मैं मेंशन कर रहा हूं न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल। तो न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल एक्सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा या इंपोर्ट के लिए? एक्सपोर्ट के लिए। तो न्यूक्लियस से साइटोसोल या साइटोसोल से न्यूक्लियस? न्यूक्लियस से साइटोसोल। इसका लोकेशन टर्मिनल होगा या इंटरनल होगा? टर्मिनल। इसका भी इंटरनल होता है। क्लीवेबल या नॉन क्लीवेबल? और वहां लाइसिन आर्जिनिन रिच कंडीशन था, यहाँ कौन सा रिच कंडीशन शो करते हो? यहाँ ल्यूसीन रिच कंडीशन शो करते, ल्यूसीन रिच कंडीशन शो करते हो। अच्छा, इस सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए कोई रिसेप्टर होगा? यस सर। एक्सपोर्ट रिसेप्टर कहूं या इंपोर्ट रिसेप्टर कहूं? एक्सपोर्ट रिसेप्टर। उस एक्सपोर्ट रिसेप्टर को मैं एक्सपोर्टिन के तौर पर डिस्क्राइब कर सकता हूँ? यस सर। ठीक है, अब आप कंपेयर करके बताओ तो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपोर्ट? यस सर। इंटरनल सिग्नल? यस सर। नॉन क्लीवेबल? यस सर। आर्जिनिन और लाइसिन रिच? यस सर। मोनोपार्टाइट और बाइपार्टाइट दोनों हो सकता है? यस सर। रिकॉग्नाइज बाय द इंपोर्ट रिसेप्टर या इंपोर्टिन? यस सर। और न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपोर्ट? यस सर। ये भी इंटरनल सिग्नल है? यस सर। ये भी नॉन क्लीवेबल है? Yes, ये ल्यूसीन रिच है? Yes, sir. और इसको रिकॉग्नाइज कौन कर रहा है, एक्सपोर्टिन या इंपोर्टिन? एक्सपोर्टिन। एक्सपोर्टिन। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर प्रोटीन जिसके बारे में अभी मेंशन किया था, इंपोर्टिन और एक्सपोर्टिन, इसको एक पर्टिकुलर फैमिली के अंदर रखा गया है जिसका नाम होता है कैरियोफेरिन बीटा फैमिली, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में लिटरेचर में लिखा होता है द मेंबर ऑफ कैरियोफेरिन बीटा फैमिली। तो मेंबर ऑफ कैरियोफेरिन बीटा फैमिली अगर आप शो कर रहे हो तो वो इंपोर्टिन एंड एक्सपोर्टिन के तौर पर शो कर रहे हो। और इसका काम क्या है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल या न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल को रिकॉग्नाइज करना। और अगर मान लो रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या काम करेगा, या तो इंपोर्ट में रोल प्ले करेगा या एक्सपोर्ट में रोल प्ले करेगा, या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों डायरेक्शन में जो है ना रोल प्ले करेगा। तो मैं ये इंफॉर्मेशन अगर समराइज कर रहा हूं तो मुझे बताओ इनमें कंफ्यूजन कहां है। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर प्रोटीन को मैं कैरियोफेरिन बीटा फैमिली के मेंबर के तौर पे शो कर रहा हूं, आप उसे इंपोर्टिन और एक्सपोर्टिन के तौर पे डिस्क्राइब करते हो, वो रिकॉग्नाइज करता है न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल या न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल डिपेंडिंग ऑन, अगर इंपोर्टिन है तो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल को, एक्सपोर्टिन है तो न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल को। और ये इंपोर्ट में भी रोल प्ले करता है, एक्सपोर्ट में भी रोल प्ले करता है, या कुछ ऐसे भी हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में रोल प्ले करता है, यानी एक ही प्रोटीन इंपोर्ट में भी रोल प्ले कर रहा है, एक्सपोर्ट में भी कर रहा है। कुछ है जो एक्सक्लूसिवली इंपोर्ट में रोल प्ले कर रहा है, कुछ है एक्सक्लूसिवली एक्सपोर्ट में रोल प्ले कर रहा है। यहां तक क्लियर? यस सर। अच्छा, बहुत सारे बुक्स में लिखा होता है कैरियोफेरिन बीटा फैमिली, या ऐसा सिंपली लिखा था इंपोर्टिन फैमिली, इंपोर्टिन फैमिली। इससे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन ये होगा कि आप कैरियोफेरिन बीटा फैमिली लिखते हो तो उसके अंदर इंपोर्टिन भी आता है और एक्सपोर्टिन भी आता है, एक्सपोर्टिन भी। लेकिन अगर आप सिंपली इसको लिखोगे इंपोर्टिन फैमिली जैसे कि कुछ बुक्स में लिखा होता है, उससे कंफ्यूजन ये होता है कि आप सिंपली इसके लिए इंपोर्टिन को कंसीडर करते हो, जबकि इसके अंदर इंपोर्टिन और एक्सपोर्टिन दोनों आता है। तो बेटर होगा कि आप टर्म क्या यूज करो, कैरियोफेरिन बीटा फैमिली, जिसके अंदर इंपोर्टिन एक्सपोर्टिन दोनों आ जाएगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के प्रोसेस में रोल प्ले करेगा। कुछ ऐसे होते हैं कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों रोल एक ही पर्टिकुलर प्रोटीन के द्वारा प्ले होता है, उसको आप बाइडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हो। अब इंपोर्टिन बीटा कैसे काम करता है उसको देखो। पहले आप डायग्राम देखना, जिन इंफॉर्मेशन को मैं मार्क कर रहा हूं उस पर आप जो है ना फोकस करना। मुझे बताओ जो प्रोटीन, ये साइटोसोल है और ये न्यूक्लियस है, जिससे होकर के पास कर रहा है वो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, जिसको मैं यहाँ रेड कलर से मार्क किया हूँ, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स अंदर की ओर जा रहा है तो मैं इसको इंपोर्ट कहूंगा। जो प्रोटीन है वो मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज्ड हुआ, यस सर, मैं इसको कार्गो प्रोटीन मान सकता हूँ,
यस सर। ये प्रोटीन ट्रांसलेशन के प्रोसेस के कंप्लीशन के बाद मूव करेगा? यस सर। फोल्डेड स्टेट में मूव करेगा? यस सर। इसके पास इंटरनल सिग्नल सीक्वेंस होंगे? यस सर। उसका नाम न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होगा? यस सर। उसको इम्पोर्टिन रिकॉग्नाइज करेगा? यस सर। यस सर। तो मैं इम्पोर्टिन को एक साइटोसोलिक फैक्टर के तौर पर डिस्क्राइब कर सकता हूँ? Yes, sir. अब क्वेश्चन है कि यहाँ इम्पोर्टिन बीटा भी लिखा हुआ है, इम्पोर्टिन अल्फा भी लिखा हुआ है। होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि इस न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल को पहले अल्फा रिकॉग्नाइज किया, उसके बाद बीटा रिकॉग्नाइज किया। अगर मान लो अल्फा पहले रिकॉग्नाइज किया, बीटा बाद में रिकॉग्नाइज किया, तो अल्फा को एडेप्टर प्रोटीन के तौर पर डिस्क्राइब करते हैं। तो हो सकता है कि या तो बीटा डायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर ले या अल्फा के बाद उसको रिकॉग्नाइज करें। अगर अल्फा के बाद रिकॉग्नाइज किया तो अल्फा को आप एडेप्टर प्रोटीन के तौर पर डिस्क्राइब करोगे। तो मैं इसलिए यहां इम्पोर्टिन बीटा और इम्पोर्टिन अल्फा दोनों मेंशन क्यों? इम्पोर्टिन बीटा अगर डायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर रहा है तो एडेप्टर की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अगर इम्पोर्टिन बीटा इनडायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर रहा है तो एडेप्टर की रिक्वायरमेंट होगी और इम्पोर्टिन अल्फा की द्वारा। और ये न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल को रिकॉग्नाइज करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनाया। ये कॉम्प्लेक्स कहां इंटर किया? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में इंटर करने के दौरान इनका इंटरेक्शन किनके साथ हुआ? न्यूक्लियोपोरिन के साथ। न्यूक्लियोपोरिन में भी किस मोटिव के साथ? एफजी मोटिव के साथ। उस एफजी मोटिव के साथ इंटरेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इम्पोर्टिन। क्योंकि लेकर तो यही जा रहा है ना, तो ये इंटरेक्शन करेगा। और उस इंटरेक्शन के बाद ये अल्टीमेटली कहां आ गया? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर आने के बाद ये इम्पोर्टिन और प्रोटीन एक दूसरे से अलग होगा या नहीं होगा? होगा। यानी यहां सेपरेशन हुआ। अब देखो, साइटोसोल में इंटरेक्शन हुआ और न्यूक्लियस में सेपरेशन हुआ। साइटोसोल में प्रोटीन का जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है उसको रिकॉग्नाइज किसने किया? इम्पोर्टिन ने। रिकॉग्नाइज करने के बाद कॉम्प्लेक्स बनाया, वो कॉम्प्लेक्स इम्पोर्ट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, न्यूक्लियोपोरिन के साथ इंटरेक्शन किया, न्यूक्लियोपोरिन में भी एफजी मोटिव के साथ इंटरेक्शन किया। उस इंटरेक्शन के लिए इम्पोर्टिन रिस्पॉन्सिबल था। इंटर करने के बाद वहां सेपरेशन हुआ और कार्गो प्रोटीन और जो इम्पोर्टिन है ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए। अब मैं इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को यहां समराइज किया हूं, मुझे बताओ ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है इनकरेक्ट? यस सर। यस सर, करेक्ट है। अच्छा, मैं सॉल्युबल प्रोटीन की जगह लिख सकता हूँ साइटोसोलिक प्रोटीन? यस सर। क्योंकि जिस प्रोटीन को मैं यहाँ सॉल्युबल प्रोटीन के तौर पर शो किया हूँ ये साइटोसोल में ही तो प्रेजेंट है, तो मैं साइटोसोलिक प्रोटीन लिख सकता हूँ। इट रिकॉग्नाइज द न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल ऑफ द कार्गो प्रोटीन, क्योंकि मैं इसको कार्गो प्रोटीन के तौर पर डिस्क्राइब कर रहा हूं। सही है? यस सर। और न्यूक्लियोपोरिन के एफजी रिपीट के साथ इंटरेक्शन इम्पोर्टिन बीटा ही करता है? यस सर। अगर इम्पोर्टिन बीटा डायरेक्टली नहीं काम करे, इनडायरेक्टली काम करे, तो वो एडेप्टर प्रोटीन का हेल्प लेगा? यस सर। उस एडेप्टर प्रोटीन का नाम मैं इम्पोर्टिन अल्फा नाम दे सकता हूँ? हाँ। अब मुझे बताओ एक्सपोर्टिन का काम। अब डायग्राम देखो, प्रोटीन को मैं इसको कार्गो प्रोटीन मान सकता हूँ? यस सर। इसको न्यूक्लियस से बाहर लाना है तो कौन सा सिग्नल होगा? एक्सपोर्ट। और उस न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल को न्यूक्लियस के अंदर कौन रिकॉग्नाइज करेगा? एक्सपोर्टिन। कॉम्प्लेक्स बनाएगा? यस। ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोर्ट के प्रोसेस में जाएगा और न्यूक्लियोपोरिन के साथ यहां भी इंटरेक्शन होगा? यस सर। वो इंटरेक्शन एक्सपोर्टिन का या इम्पोर्टिन का? एक्सपोर्टिन का। कॉम्प्लेक्स बाहर निकला तो साइटोसोल में डिसोसिएशन या एसोसिएशन? डिसोसिएशन। मुझे बताओ कि इम्पोर्टिन के बारे में अगर आप मेंशन करते हो तो एक्सपोर्टिन के बारे में यही इंफॉर्मेशन मेंशन करेंगे? यस सर। यस सर। तो इंफॉर्मेशन मेमोराइज करना ही नहीं है, इंफॉर्मेशन को रिलेट करके चलना है, कंपेयर करके चलना है, ताकि आपको ध्यान में रहे कि अगर मैं इम्पोर्टिन के लिए क्या मेंशन किया तो मुझे एक्सपोर्टिंग के लिए क्या मेंशन करना। वहां न्यूक्लियर इंपोर्ट सिग्नल की बात कर रहे थे, यहाँ न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल की बात कर रहे हैं। वहां इंपोर्ट की बात कर रहे थे, एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। और न्यूक्लियोपोरिन के साथ इंटरेक्शन यहां भी हो रहा है, वहां भी हो रहा है। एफजी रिपीट वहां भी इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था, यहां भी पार्टिसिपेट कर रहा है। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। लेकिन मुझे बताओ ये प्रोसेस जो है रेगुलेटेड है, एक्टिव है या नॉन रेगुलेटेड, नॉन एक्टिव प्रोसेस? ठीक है। अब देखो यहां इंटरेक्शन हो रहा है, यहां इंटरेक्शन खत्म हो रहा है, तो कोई तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? यस सर। और पहले वाले केस में बाहर इंटरेक्शन हो रहा था, अंदर इंटरेक्शन डिसोसिएशन खत्म हो रहा था,
कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई तो प्रोसेस को रेगुलेट कर रहा होगा, नॉट सेफ। ठीक, क्योंकि प्रोसेस में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, रेगुलेशन भी है, और एक्टिव प्रोसेस के तौर पर आप कंडीशन को शो कर रहे हो, तो रैंक GTPH पार्टिसिपेट करेगा। यस सर। अब मैं रैंक GTPH के बारे में आज तो कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं रैप के बारे में मेंशन कर चुका हूं, उसी को आपको यहां रिपीट करना है। ये भी मोनोमेरिक GTP बाइंडिंग प्रोटीन है, ये भी GTP को हाइड्रोलाइज करता है, GTP के साथ बाइंडिंग शो करता है। गैप के प्रेजेंस में GTP को हाइड्रोलाइज करेगा, जेब के प्रेजेंस में जो है ये GTP को GTP से रिप्लेस करेगा, यानी कभी एक्टिव फॉर्म में रहेगा, कभी इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। ये कंडीशन तो मैंने रैप के केस में मेंशन किया था। यस सर। ये कंडीशन मैं यहां भी मेंशन कर रहा हूं। अब डायग्राम देखो, और डायग्राम से कंफ्यूज मत होना, आप पहले सिंपल कंडीशन को देखो। देखो यहां मैं न्यूक्लियस शो किया हूं, और ये साइटोसोल है। जिस इंफॉर्मेशन को मार्क कर रहा हूं सिर्फ आप उसको ध्यान से देखना। बाहर रैन GDP शो किया हूं, मुझे बताओ रैन GDP एक्टिव फॉर्म होता है या इनएक्टिव फॉर्म? इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म। रैन GTP एक्टिव फॉर्म। तो एक इंफॉर्मेशन तो क्लियर हो गया कि एक्टिव फॉर्म न्यूक्लियस के अंदर रहेगा और इनएक्टिव फॉर्म साइटोसोल में रहेगा। यहां तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, एक्टिव फॉर्म बनता किसके कारण है? जेब के कारण। याद करो मैंने गैप और जेब दो बताया था। एक्सचेंज फैक्टर। यस सर। और अगर मैं एक्टिव फॉर्म को न्यूक्लियस में शो कर रहा हूं तो जेब को न्यूक्लियस में शो करना पड़ेगा। यस सर। Yes, और अगर इनएक्टिव फॉर्म को मैं साइटोसोल में शो किया हूं तो गैप को साइटोसोल में शो करना पड़ेगा। यस सर। ठीक। अब जेब अगर मान लो कि न्यूक्लियस में ही लोकलाइज्ड है तो रैन का एक्टिव फॉर्म न्यूक्लियस के अंदर ही बनेगा, और अगर गैप अगर मान लो कि साइटोसोल में लोकलाइज्ड है तो रैन का इनएक्टिव फॉर्म साइटोसोल में ही बनेगा। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखो रैन GTP जिसको मैं मार्क कर रहा हूं उसको देखना। रैन GTP न्यूक्लियस से साइटोसोल में आ रहा है, मुझे बताओ न्यूक्लियस से साइटोसोल में आ रहा है रैन GTP एक्टिव फॉर्म आ रहा है। साइटोसोल में कौन प्रेजेंट है? गैप। तो वो GTP को हाइड्रोलाइज करके GTP में कन्वर्ट कर देगा, तो बताओ रैन GTP GTP बाउंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक्टिव फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर। इसका मतलब है कि रैन GTP जैसे ही न्यूक्लियस से न्यूक्लियर पोर की मदद से साइटोसोल में आएगा वो एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइटोसोल में गैप प्रेजेंट है, और गैप उसके GTP को जो है GTP के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इंड्यूस करेगा। ठीक। अब सपोज करो कि रैन जो GTP बाउंड फॉर्म में इनएक्टिव फॉर्म में अगर वो साइटोसोल से न्यूक्लियस में इंटर कर जाए तो बताओ उसको उसका कॉन्टेक्ट किन के साथ होगा? GEF के साथ। जेब के साथ। वो उसको इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा या नहीं करेगा? यस सर। करेगा। ठीक है। अब देखो इस जेब का कोई तो नाम होगा। yes, इस गैप का कोई भी नाम होगा, क्योंकि गैप और जेब तो एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है। ये एक टर्म आप रैप के केस में भी अप्लाई करते हो, रो के केस में भी अप्लाई करते हो, रास के केस में भी अप्लाई करते हो, रैन के केस में भी अप्लाई करते हो, ये तो कॉमन नेम है। अब है कि yes, उस स्पेसिफिक जेब और उस स्पेसिफिक गैप का नाम क्या है? उस जेब और गैप का नाम मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। अगर नाम याद ना रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप रैन स्पेसिफिक जेब अगर मान लो कि माइंड में रखते हो तो ये भी जो है सही है, बट अगर मान लो कहीं RCC1 अगर मेंशन कर दिया तो RCC1 अगर मान लो कहीं लिखा हुआ तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको मालूम है कि RCC1 इज बेसिकली रैन स्पेसिफिक जेब तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि इसका लोकेशन कहां होगा और ये इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका मतलब है कि मैं यहाँ RCC1 को शो करूंगा, न्यूक्लियस में ये कन्फाइंड होगा। और रैन स्पेसिफिक गैप, इसका रैन गैप, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि नाम से ही जो है चीजें क्लियर हो रही है। ये साइटोसोल में है और इनएक्टिव फॉर्म को सॉरी एक्टिव फॉर्म को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अब देखो रैन GTP अगर मान लो कि न्यूक्लियस के अंदर इंटर कर रहा है तो कोई ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प तो करता होगा। यस सर। ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने के लिए न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट फैक्टर 2 है। उसी तरह से अगर रैन GTP अगर मान लो कि न्यूक्लियर से बाहर निकल रहा है तो यहां भी तो उसको ट्रांसपोर्टेशन में कोई हेल्प कर रहा होगा। यस सर। यस सर। लेकिन उस पर्टिकुलर प्रोटीन का नेचर जो है ना पूरी तरह से डिफाइन नहीं है। फिर से सुनो, अगर रैन GTP अगर मान लो कि न्यूक्लियस में जा रहा है
तो न्यूक्लियस में ले जाने के लिए तो कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पार्टिसिपेट करेगा ना, उसका नाम है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट फैक्टर 2, वो अंदर लेकर के गया। भाई अंदर से रैंक जीटीपी अगर बाहर आ रहा है, साइटोसोल में आ रहा है, तो यहां भी तो कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रोल प्ले करेगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का नेचर पूरी तरह से डिफाइन नहीं है। और रैन एक्टिव फॉर्म में कब कन्वर्ट होगा, जब न्यूक्लियस में रहेगा। इनएक्टिव फॉर्म में कब कन्वर्ट होगा, जब साइटोसोल में रहेगा। एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जेब। जेब कहां लोकलाइज्ड है, तो न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस। और रैन अगर मान लो कि इनएक्टिव फॉर्म में है तो कहां है, साइटोसोल में। ये किनके कारण होगा, तो गैप के कारण। गैप कहां लोकलाइज्ड है, तो साइटोसोल, साइटोसोल। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब फाइनल फिगर देखो, ये लास्ट पार्ट है, न्यूक्लियस एंड साइटोसोल। प्रोटीन विथ न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, ये नॉर्मल कंडीशन है। यस सर। इम्पोर्टिन उनके साथ इंटरेक्शन शो करेगा। यस सर। एक कॉम्प्लेक्स बनाया, ये कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोपोरिन के साथ इंटरेक्शन करता हुआ अंदर चला गया। यस सर। ठीक, अंदर मुझे बताओ कि रैन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, जीटीपी बाउंड फॉर्म में या जीटीपी बाउंड फॉर्म में? जीटीपी बाउंड। एक्टिव या इनएक्टिव? एक्टिव। वो इनके सेपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या इनके एसोसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, तो आप देखो कि इम्पोर्टिन के साथ आई रैन जो है बाइंड किया और इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया। अब मुझे बताओ इम्पोर्टिन जो रैन से बाउंड है, जीटीपी बाउंड फॉर्म है या जीटीपी बाउंड फॉर्म है? जीटीपी बाउंड। अब मुझे बताओ ये वापस साइटोसोल में आ रहा है? यस सर। यस सर। साइटोसोल में आने के साथ ही ये रैन जीटीपी से जीटीपी बाउंड फॉर्म में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा? यस सर, होगा। और इम्पोर्टिन को जो है वो फ्री कर देगा? यस सर। और इम्पोर्टिन फिर से जो है किसी न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल से बाइंड करके ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा? इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट? इम्पोर्ट। तो मुझे ये बताओ इंपोर्ट के दौरान रैन का एक्टिव फॉर्म एसोसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या डिसोसिएशन के लिए? डिसोसिएशन के लिए। रैन का एक्टिव फॉर्म न्यूक्लियस के अंदर या साइटोसोल में? न्यूक्लियस के अंदर। जब इम्पोर्टिन रैन के साथ साइटोसोल में आता है तो वो एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है या इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है? एक्टिव से इनएक्टिव। ठीक है, अब मैं एक्सपोर्टिंग की बात कर रहा हूँ। ओके, दूसरा फिगर देखो, अंदर से देखो, क्योंकि एक्सपोर्टिन है ना, अंदर से मुझे बाहर लाना है। न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल होगा, एक्सपोर्टिन है। एक्सपोर्टिन किसके साथ बाउंड है? रैन जीटीपी। एक्टिव फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में? एक्टिव फॉर्म। तो मुझे बता एक्टिव फॉर्म में एसोसिएशन या डिसोसिएशन? एसोसिएशन। एसोसिएशन होगा। ये कॉम्प्लेक्स जो है ना न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से बाहर आया, अब मुझे बताओ बाहर आने के बाद ये एक्टिव फॉर्म में रहेगा या इनएक्टिव फॉर्म में जाएगा? इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म है, क्योंकि आप देखो कि एक्सपोर्टिन और आर ये डिसोसिएट हुआ, और चूंकि साइटोसोल में है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और फिर एक्सपोर्टिन सिंपली अंदर की ओर चला गया। यहां तक क्लियर है? यस। तो इस तरह से इम्पोर्टिन और एक्सपोर्टिन का प्रोसेस जो ना काम कर रहा है, तो एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव? एक्टिव प्रोसेस। रेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड? रेगुलेटेड। डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल? डायरेक्शनल। डायरेक्शनल है, क्योंकि इम्पोर्टिन अंदर की ओर लेके जा रहा है और एक्सपोर्टिन बाहर की ओर ला रहा है, डायरेक्शनल है। ठीक, एक एक्सेप्शन जो है ना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो एक्सेप्शन है मैसेंजर आने के केस में। जब आप मैसेंजर आने के एक्सपोर्ट के प्रोसेस की बात करते हो तो यहाँ रैन जीटीपी पार्टिसिपेट नहीं करता और एक्सपोर्टिन पार्टिसिपेट नहीं करता, ये एक्सेप्शन है। आपको कि मैसेंजर आने तो प्रोटीन नहीं है, लेकिन मैसेंजर आने के साथ जो प्रोटीन बाउंड है, उस प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूं, उसके एक्सपोर्ट के दौरान एक्सपोर्टिन पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि एक खास आरएनए हेलिकेज पार्टिसिपेट करता है, जिसको आप नाम देते हो DBP5P। ये डीएनए एटीपी डिपेंडेंट आरएनए हेलिकेज के तौर पे काम कर रहा है, ये रोल प्ले करता है। यहां एक्सपोर्टिन जो है डायरेक्टली रोल नहीं प्ले करता है इन केस ऑफ द मैसेंजर आरएनए। ये एक एक्सेप्शनल केस है, इस एक्सेप्शनल केस को जो है ध्यान में रखना होगा। और अब ये ध्यान में रखना कि एक्सपोर्टिन यहां भी जो है प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन जो है शो करेगा, लेकिन वो प्रोटीन जो है मैसेंजर आरएनए के साथ बाउंड अगर है तो एक्सपोर्टिन यहां डायरेक्टली उनके साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहा, बल्कि इनके साथ इंटरेक्शन जो है आरएनए हेलिकेज कर रहा है, उस आरएनए हेलिकेज का नाम है DBP5P। ये एक्सेप्शनल केस है, तो इसको अब ध्यान में रखना।
यहां तक क्लियर है? यस सर। देखो ये एक पर्टिकुलर जो है एग्जांपल है, इनसे सारी इंफॉर्मेशन जो है क्लियर हो जाएगी। न्यूक्लियर इंपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल, ये आप इम्यूनोलॉजी के दौरान भी पढ़ते होंगे, न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल ड्यूरिंग द टी सेल एक्टिवेशन। अब देखो इनका रोल कैसे है, ठीक है, इसका रोल आप देखो। देखो जब एंटीजन नहीं होता है तो टी सेल एक्टिव स्टेट में होता है या रेस्टिंग स्टेट में होता है? रेस्टिंग स्टेट में। तो रेस्टिंग स्टेट में यहां साइटोसॉल में कैल्शियम आयन का कंसेंट्रेशन कम होगा, यू विल गेट द लो कंसेंट्रेशन ऑफ द साइटोसॉल, लो कंसेंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम इन द साइटोसॉल, क्योंकि आप एंटीजन के एब्सेंस में रेस्टिंग टी सेल कंसिडर कर रहे हो, तो कैल्शियम आयन का कंसेंट्रेशन साइटोसॉल में कम है। इस कंडीशन में एक पर्टिकुलर जो ना प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है कैल्सिन्यूरिन, जो फॉस्फेटेज एक्टिविटी शो करता है, वो इनएक्टिव स्टेट में होता है। तो इनएक्टिव फॉस्फेटेज के तौर पर मैं कैल्सिन्यूरिन को शो कर रहा हूँ, क्योंकि कैल्शियम के कारण इसकी एक्टिविटी जो है इंक्रीज होती है। अगर साइटोसॉल में कैल्शियम का लेवल अगर कम है तो इसकी एक्टिविटी जो है कम होगी, यानी इनएक्टिव होगा, यानी आप फॉस्फेटेज एक्टिविटी यहां नहीं शो करोगे। तो इस कंडीशन में जो न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल है वो फॉस्फोरिलेटेड स्टेट में होगा। फॉस्फोरिलेटेड स्टेट में होने का मतलब है कि जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है वो एक्सपोज नहीं है, और जब न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल एक्सपोज नहीं है तो मुझे बताओ इम्पोर्टिन की बाइंडिंग हो पाएगी? नो सर। जब इम्पोर्टिन की बाइंडिंग नहीं हो पाएगी तो इसका इम्पोर्ट हो पाएगा? नो सर। तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये प्रोटीन है, न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पे काम करता है, बट जब आप एंटीजन के एब्सेंस में बात करते हो तो टी सेल रेस्टिंग स्टेट में होता है, साइटोसॉल में कैल्शियम का लेवल कम होता है, कैल्सिन्यूरिन इनएक्टिव स्टेट में होता है, और इस कंडीशन में ये जो पर्टिकुलर फैक्टर है फॉस्फोरिलेटेड स्टेट में रहता है, इसका न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल बरीड होता है, इम्पोर्टिन उसको जो है रिकॉग्नाइज करके बाइंड नहीं कर पाता है, और ऐसे प्रोटीन का जो है न्यूक्लियस के अंदर इम्पोर्ट नहीं हो पाता है। अब एंटीजन के प्रेजेंस में देखो कंडीशन क्या होगा, जब एंटीजन प्रेजेंट होता है तो टी सेल एक्टिवेटेड स्टेट में जाता है। एक्टिवेटेड स्टेट का मतलब हुआ कि साइटोसॉल में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हुआ, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होने का मतलब है कि कैल्सिन्यूरिन की एक्टिविटी बढ़ गई। अब ये फॉस्फेटेज एक्टिविटी शो करेगा, यानी डीफॉस्फोराइलेशन कॉज करेगा, किसका? न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल, इनका डीफॉस्फोराइलेशन कॉज करेगा। इसके डीफॉस्फोराइलेशन के कारण जो है न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल एक्सपोज हो जाएगा। जब न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल एक्सपोज हो जाएगा तो बताओ अब इम्पोर्टिन की बाइंडिंग होगी या नहीं होगी? होगी, इम्पोर्टिन की बाइंडिंग होगी। इम्पोर्टिन की बाइंडिंग होगी तो ये न्यूक्लियस के अंदर इंटर करेगा, यस सर, यानी कैल्सिन्यूरिन अलोंग विद द कैल्सिन्यूरिन ये न्यूक्लियर फैक्टर एक्टिवेटेड टी सेल न्यूक्लियस के अंदर इंटर करेगा और वहां ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पे काम करेगा, यस सर। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पे काम करने का मतलब है कि बहुत सारे जीन के ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को एक्टिवेट करेगा, जैसे कि टी सेल का एक्टिवेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट होगा, टी सेल के एक्टिवेशन के प्रोसेस को शो करेगा। तो अब इंपॉर्टेंस समझ में आ गया कि न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल का क्या इंपॉर्टेंस है? यस सर। अगर वो बरीड है फॉस्फोराइलेशन वाले कंडीशन के कारण और इम्पोर्टिन उनके साथ इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा है तो ये न्यूक्लियस के अंदर मूव नहीं कर पा रहा है, और जब एंटीजन के प्रेजेंस में टी सेल एक्टिवेटेड स्टेट में जाता है, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है, कैल्सिन्यूरिन का एक्टिवेशन होता है, डीफॉस्फोराइलेशन होता है, तो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल एक्सपोज होने के कारण इम्पोर्टिन से बाइंडिंग शो करता है और वो न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पर काम करता है और टी सेल के एक्टिवेशन को कॉज करता है। यहां तक क्लियर है? यस सर। इस क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड आउट करके बताओ। इम्पोर्टिन बीटा। इसका आंसर रैंक जीटीपी लेवल हायर इन न्यूक्लियस, यस या नो? यस सर। तो करेक्ट मानता हूं इसको। न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर यानी इम्पोर्टिन कैन सेटल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म? नो सर। कैसी बातें करते हो? नो। यस सर। अभी तो डायग्राम में इतनी क्लैरिटी के साथ मैंने दिखाया भी था, बताओ बताओ इम्पोर्टिन का सेटल हो रहा है कि नहीं? इम्पोर्टिन लेकर के अंदर जा रहा है और फिर बाहर निकल रहा है। इम्पोर्टिन आप देखो ना साइटोसॉल से न्यूक्लियस के अंदर भी जा रहा है और फिर न्यूक्लियस से साइटोसॉल में आ रहा है।
तो इम्पोर्टिन का सेटल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर हो रहा है। ठीक, तो सेटल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म सही है। NTF2 ट्रांसपोर्ट रेंज GDP इनटू साइटोसोल गलत है, न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्टेशन करता था। मैंने रेंज GDP का ट्रांसपोर्टेशन कहां शो किया था? वो साइटोसोल से न्यूक्लियस में जाता था और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान एक पर्टिकुलर प्रोटीन हेल्प किया था NTF2। तो आप मुझे बताओ रेंज GDP का ट्रांसपोर्टेशन साइटोसोल में होगा या न्यूक्लियस में होगा? न्यूक्लियस में होगा, क्योंकि साइटोसोल में ये तो ऑलरेडी होता है, इसको न्यूक्लियस में जाना होगा एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। अच्छा, एक्सपोर्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन रेन। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए एंड माइक्रो आरएनए एक्सपोर्ट इज मेडिएटेड बाय द एक्सपोर्टिन, क्योंकि मैंने सिर्फ मैसेंजर आरएनए के लिए मेंशन किया था, माइक्रो आरएनए और ट्रांसफर आरएनए के लिए मेंशन नहीं किया था। तो ठीक है, ट्रू होगा। ठीक है, अब बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर के दौरान करता हूँ।